अरे भाई साहब, आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं? हरीश भाई, तो मेरी वॉइस सुन रहे हैं आप? कुछ खाने टैक्सेशन बार से यदि कोई पदाधिकारी है, सुनील गहलोत जी खाने हो का या टैक्सेशन बार से कोई पदाधिकारी हो, कुछ हरीश भाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द गए और वो भाई साहब अरुण अग्रवाल जी। हेलो अब भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और विनय जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपने साथ इस मंच पे जोड़ा कुछ शब्द कहने के लिए। अब तक जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स जिस व्यवस्था के अंतर्गत इनकम टैक्स असेसमेंट कराने के लिए तैयारी करते रहे हैं, रिप्रेजेंट करते रहे हैं, वो सारी व्यवस्था अब बिल्कुल चेंज होने वाली है। आने वाले समय में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी नोटिस आए और जो भी हमसे क्वेरीज रेज की जाए उसके अंदर, उनको हम ध्यान पूर्वक उसके अनुसार उसका जवाब तैयार करें। जवाब हमारा बहुत ही सटीक और टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी सवाल हमसे पूछे गए हैं उनको सबको हमें कवर करना है, और उससे संबंधित जो भी एविडेंस हमारे पास है वो लगाना है, ताकि हम अपनी बात को असेसिंग ऑफिसर को क्लियरली कन्वे कर सकें यहाँ पर, क्योंकि हम असेसिंग ऑफिसर के सामने फेस टू फेस नहीं बैठे हैं। तो हमें स्थिति समझनी होगी कि हम किस तरीके से अपने पॉइंट को उस तक कन्वे कर पाए। इसमें जो है ड्राफ्टिंग और हमारी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, और हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम अपने जो जवाब है उसको अच्छे तरीके से पेश कर पाए। तो अब हमें इस तरह का मौका नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था। विनय जी ने कहा कि एक नोटिस आया, हमने जवाब नहीं दिया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फोन पे बात करके टाइम ले लिया, असेसिंग अफसर को रिक्वेस्ट करके पर्सनल टाइम ले लिया, खींचते रहे, ट्रैक करते रहे, आखिरी मोमेंट पे जाके हमने उसका जवाब दिया। अब आने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, और मैं आशा करता हूँ विपिन जी जो है इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने ज्ञान से हमें प्रकाशित करेंगे। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और विपिन जी से आग्रह करूंगा कि अपना जो आज का विषय है उस पर हमें ज्ञान के पथ पर प्रदर्शित करें। थैंक यू। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज हाँ जी, कंटिन्यू सर। अच्छा मेरे पास आ गया माइक। जी 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 आप कर ओके दीजिए सर। हरीश भैया अभी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, हरीश भैया आएगा उनकी ब्लेसिंग मैसेज वेलकम मैसेज हम बीच में ले लेंगे। यदि हरीश जी भैया जी आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप आपके ब्लेसिंग वेलकम मैसेज हरीश हरीश भाई साहब सचदेव की भाई वीडियो सर। तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही। चलिए विपिन भैया प्लीज, शायद भैया की वॉइस नहीं जा रही है। विपिन भैया आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सबसे पहला नमस्ते करना चाहता हूं अरुण जी भाई साहब को, जो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे सीनियर पार्टनर हैं। उंगली उनकी उंगली पकड़ के हम सीखते हैं। बेनामी पीएमएलए पे तो जो कुछ भी बोलता हूं उनसे सीखा हुआ ही बोलता हूं। तो वो आज हमारे बीच में हैं, और ऐसा मौका विनय भैया ने लगा दिया कि सबसे पहले उन्हीं को सुनने का मौका हमको मिल गया। और ऐसी बढ़िया हिंदी वो बोलते हैं, तो मैं मजे ले रहा था कि क्या हिंदी बोलते हैं भाई। तो दोबारा से बहुत बहुत नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। आज के टॉपिक पे आता हूँ फिर। सर, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फेसलेस असेसमेंट। अच्छा, बढ़ गया थोड़ा सर, फेसलेस असेसमेंट नहीं, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स। फेसलेस अपील्स भी वेटिंग में ही है, बस सितंबर में आना है।
जैसा कि 13 अगस्त को मोदी जी ने अपने जो इनॉग्रेशन था उसमें बताया, तो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स, फेसलेस अपील्स का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये क्लैरिटी आ गई है कि 25 सितंबर से अपील भी फेसलेस हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं जब ये देख रहा था 13 अगस्त का कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स, ऐसे मेरे दिमाग में आया कि अब बहुत ज्यादा फॉर्मल जो हम लोग ट्राउजर, फॉर्मल पैंट्स, फॉर्मल शर्ट्स, इनकी जरूरत ही नहीं है शायद। हम जाएंगे कहाँ? सुबह आएंगे घर से, ऑफिस में आके बैठेंगे, तो ये जो चलता था बड़ा आम चर्चा का विषय होता था, ऑफिस में फोन आता था, स्टाफ से पूछते थे कि सर कहाँ हैं, तो बोलते थे सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गए हैं, और बड़े ही मतलब बड़े जोश से बोलते थे कि सर ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गए हैं, वो शाम से पहले आपको मिलने वाले नहीं है। तो आने वाले जमाने में, आने वाले टाइम में जब सब कुछ फेसलेस ही होगा, तो हम जाएंगे कहाँ ऑफिस से? तो अगर इमेजिन करो तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन होगी कि हम ऑफिस से घर से आते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो बड़ा अजीब माहौल होगा। और अपील में भी यही हो जाएगा कि कहीं आना जाना है नहीं, फेसलेस आप आओ, जैसे कॉल सेंटर है, वर्क फ्रॉम होम टाइप आईटी में चलता है, वही स्थिति हमारी हो जाएगी। आओ, सिस्टम खोलो, हियरिंग करानी है हियरिंग कराओ, सबमिशन देने हैं सबमिशंस दो, और खत्म बात, ना कहीं आना ना कहीं जाना। अगर आप इमेजिन करोगे तो बातचीत का सिलसिला क्या होगा, आज हमारे बीच में बातचीत होती, हम डिपार्टमेंट गए थे, वहां ये हुआ, वहां वो हुआ, वो मिले, फिर ऐसे हुआ, उनका ट्रांसफर हो गया, उनके साथ ये हो गया, वो सब चर्चा का विषय खत्म। अब तो अपने ऑफिस में हो आप, जो भी कनेक्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो थ्रू फेसलेस मोड में है। सर हम वो माइक ऑफ कर सकते हैं क्या, थोड़ा डिस्टर्बेंस है भैया, हो सके तो माइक ऑफ कर देते हैं। बाकी टॉपिक पे आते हैं सर, आज हम बैठे हुए हैं सर 21 अगस्त 2020, 21 अगस्त 2020 को जो काम आज चल रहा है, एक जरा उसका रिव्यू देखते हैं, एक लुक देखते हैं कि आज हमारी कौन से असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं, किन असेसमेंट्स की बात हो रही है जो फेसलेस हो गए हैं 13 अगस्त से। आज की तारीख में जो असेसमेंट चल रहे हैं, जो रेगुलर असेसमेंट है 143(3) के रेगुलर असेसमेंट, वो असेसमेंट ईयर 18-19 होता है, 18-19 के असेसमेंट्स पेंडिंग चल रहे हैं, वो ऑलरेडी सर फेसलेस मोड में ही चल रहे हैं। 8 शहरों में 2019 में ये फेसलेस ई असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमारे पास जो नोटिस आए वो नैक से ही आए थे, सितंबर 2019 में जो नोटिस आए थे वो नैक से आए थे, वो असेसमेंट आज की तारीख में पेंडिंग है। एज पर दी ओरिजिनल प्रोविजंस, इनकी जो टाइम बारिंग थी सर वो थी 30th of September 2020, बिकॉज ऑफ कोरोना वो एक्सटेंड हो गई, और एक्सटेंड होके आज जो टाइम बारिंग है वो है 31st of March 2021। 18-19 रेगुलर असेसमेंट 143(3) में जो पेंडिंग चल रहे हैं, फेसलेस मोड में ही पेंडिंग चल रहे हैं, और उनकी टाइम बारिंग है हमारे पास 31st of March 2021। दूसरे कौन से असेसमेंट पेंडिंग हो सकते हैं आज की तारीख में सर? 148, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 148 के नोटिसेज जो असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए इशू होने थे, नॉर्मली मार्च में होते हैं, तो मार्च 2020 में इशू होने थे, और नॉर्मली लास्ट वीक ऑफ मार्च में होते हैं, तो 20 मार्च से ये लॉकडाउन की पोजीशन बन गई, तो इस साल 148 इशू ही नहीं हुए हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग। लेकिन जो 148 के नोटिसेस 20 मार्च 2020 से पहले इशू हो चुके, वो असेसमेंट पेंडिंग हो सकते हैं। 148 के केसेस 2019 की स्कीम में फेसलेस मोड में नहीं थे, वो मैनुअल असेसमेंट चल रहे थे, तो अगर 148 के नोटिसेस 20 मार्च से पहले सर्व हो गए थे असेसमेंट ईयर 13-14, तो वो असेसमेंट हो सकता है कुछ ज्यूरिसडिक्शंस में इस समय मैनुअली
पेंडिंग चल रहे हों, मोस्ट प्रोबेबली उनके सबमिशन कुछ हो नहीं पाए होंगे क्योंकि बीच में लंबा पीरियड तो कोरोना का ही हो गया, लेकिन वो पेंडिंग हो सकते हैं। उनकी टाइम बारिंग, क्योंकि वो नोटिस 20 मार्च से पहले अगर तो इश्यू हो चुके हैं, तो उनकी टाइम बारिंग एज पर ओरिजिनल प्रोविजन 31 मार्च 2021 ही बनती थी और अभी भी 2021 ही है, 31 मार्च 2021। रेगुलर केसेस की टाइम बारिंग 3 महीने पीछे चली गई थी, जो 31 दिसंबर के बजाय हो गई थी 30 सितंबर, और वन फॉर केसेस की टाइम बारिंग आगे चली गई थी जो हो गई थी 31 मार्च 2021। तो ऐसे 148 के केसेस पेंडिंग हो सकते हैं 13 अगस्त को, जो अब पहली बार फेसलेस मोड में ट्रांसफर होंगे। सर अभी वो मैनुअली चल रहे होंगे और वो अब फेसलेस मोड में ट्रांसफर होंगे। एक दूसरा, जो रेगुलर 18-19 के केसेस हैं, जो अदर देन ई मोड, अदर देन फेसलेस मोड के नोटिसेस अलग अलग शहरों में आए हुए होंगे, ऑल ओवर इंडिया छोटे शहरों में आए हुए होंगे जहां फेसलेस मोड नहीं था, वो भी सर अब ट्रांसफर हो गए फेसलेस मोड में। 13 अगस्त को फेसलेस मोड पहली बार नहीं आया है, 13 अगस्त को हुआ ये कि पैन इंडिया बेसिस पर जितने भी केसेस 18-19 के पेंडिंग चल रहे थे, से फॉर एग्जांपल, वो सब ट्रांसफर हो गए फेसलेस मोड में। 148 के केसेस जो भी पेंडिंग चल रहे होंगे 13 अगस्त को, वो सब ट्रांसफर हो गए फेसलेस मोड में। हम बात कर रहे थे कि आज की तारीख में हम कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या पेंडेंसी चल रही है, तो हमने देखा सर 18-19 की पेंडेंसी चल रही है रेगुलर असेसमेंट की, 148 के केसेस की पेंडेंसी चल रही हो सकती है। उसके अलावा सर हमारे पास पेंडेंसी हो सकती है 263 के कोई ऑर्डर हुए हों जो सेट असाइड हो गए हों, तो मैनुअल असेसमेंट चल रहे होंगे डिपार्टमेंट में, वो भी 13 अगस्त को ट्रांसफर हो गए फेसलेस मोड में। रिमांड केसेस हो सकते हैं, जो आईटीएटी से रिमांड हो गए होंगे एओ को, वो भी पेंडिंग चल रहे हो सकते हैं 13 अगस्त 2020 को मैनुअल मोड में, वो भी ट्रांसफर हो गए सर फेसलेस मोड में। तो 13th ऑफ अगस्त को इफेक्टिवली क्या हुआ कि ऑल केसेस, वेदर रेगुलर 1433, वेदर 148, वेदर 263 सेट असाइड केसेस, और वेदर आईटीएटी रिमांड बैक केसेस, जितने भी केसेस थे सारे के सारे ट्रांसफर हो गए फेसलेस मोड में। उसका रिपरकशन क्या होगा उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये इफेक्टिवली हो गया। सो फार एज असेसमेंट 1920 इज कंसर्न्ड, 1920 कंसर्न्ड, उनके 1432 के नोटिसेस की टाइम बारिंग नॉर्मल कोर्स में होती है 30th ऑफ सितंबर, जो अब एक्सटेंड होके बिकॉज ऑफ कोरोना एक्सटेंड होके 31st ऑफ मार्च 2021 हो गई। अभी मैं कहां खड़ा हूं सर, अभी हम ये देख रहे हैं कि 21 अगस्त आज की तारीख में 21 अगस्त को कहिए 13 अगस्त को कहिए कि हमारे पास क्या पेंडेंसी चल रही है सो फार एज इनकम टैक्स प्रैक्टिस इज कंसर्न। तो असेसमेंट की बात हो गई, 148 की बात हो गई, बाकी असेसमेंट्स की बात हो गई, 19-20 के असेसमेंट जो इनिशिएट होने थे 1432 के नोटिस से, उनकी भी अभी टाइम बारिंग आगे जाके आएगी, 31st ऑफ मार्च हो गई है। एक जो रिटर्न्स हमको फाइल करनी थी उनकी डेट 30th ऑफ नवंबर है, टैक्स ऑडिट की डेट 31st ऑफ अक्टूबर है, और 54 एक्सेट्रा में कोई इन्वेस्टमेंट हमको करने थे तो वो डेट एक्सटेंड होकर के 30th ऑफ सेप्टेंबर है। चैप्टर 6C की रिडक्शन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने थे तो उसकी डेट निकल चुकी, वो 31st ऑफ जुलाई थी, एक्सटेंडेड डेट जो थी 31st ऑफ जुलाई थी। ये पोजीशन है हमारी सो फार एज टुडेज पोजीशन इज कंसर्न, हमारी कौन सी रिटर्न्स, कौन से नोटिसेस, कौन से असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं। 13 अगस्त में क्या हुआ, 13 अगस्त में सारे पेंडिंग असेसमेंट ट्रांसफर हो गए हैं ई मोड में, एक बात। दूसरी बात यह हुई है सर 13 अगस्त में, अपार्ट फ्रॉम दिस, सर्वे की पावर्स खत्म हो गई सो फार एज द असेसिंग ऑफिसर इज कंसर्न, जो आपका ज्यूरिडिशनल असेसिंग ऑफिसर था वहां से सर्वे की पावर्स खत्म हो गई। अब सर्वे जो करेगा वो इन्वेस्टिगेशन विंग करेगा, या तो टीडीएस सर्वे जो होते थे वो चल देंगे, बाकी अब जो सर्वे होंगे वो आपके 133 कैपिटल में जो सर्वे होते थे वो सर्वे करेगा इनकम टैक्स विंग, वहां से पावर खत्म हो गई असेसिंग ऑफिसर के पास से। ये हुआ कब, 13 अगस्त को। एक काम और हुआ सर 13 अगस्त को, क्या काम हुआ सर,
एक सेक्शन था हमारे यहाँ 133 सी, रिलेटिवली न्यू सेक्शन है ये। इस सेक्शन में ये प्रोविजन आया था कि अगर डिपार्टमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है, असेसमेंट पेंडिंग नहीं है सर, डिपार्टमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है किसी भी सोर्स में, किसी भी सोर्स की, उसकी इंक्वायरी वो इनिशिएट कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी वो इनिशिएट कर सकते हैं, सबमिशंस मांग सकते हैं, और फिर उस इंक्वायरी के बेसिस पर जो असेसी सबमिशंस देगा, असेसमेंट पेंडिंग नहीं है, जो असेसी सबमिशन देगा वो फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर 133 कैपिटल सी, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी रिपोर्ट के साथ पास ऑन कर देगी असेसिंग ऑफिसर को फॉर द पर्पसेस ऑफ नेसेसरी असेसमेंट एज पर लॉ। ये प्रोविजन आया था एक, ये है सेक्शन 133 कैपिटल सी। इस सेक्शन के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की बात थी वो नोटिफाई हुई है, वो नोटिफाई होकर के किसको उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बना दिया है, 133 कैपिटल सी। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी नाउ इज वेरिफिकेशन यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट। जैसा 2019 में जब फेसलेस असेसमेंट मोड का नोटिफिकेशन आया था, सो नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट दैट देयर आर फोर काइंड ऑफ यूनिट्स, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट। आई रिपीट, असेसमेंट यूनिट जो तो असेसमेंट करेंगे, वेरिफिकेशन यूनिट हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या करेंगे, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट। तो इसमें से जो वेरिफिकेशन यूनिट है, जो वेरिफिकेशन यूनिट है उसी को नोटिफाई कर दिया गया है 133 कैपिटल सी में। ये सब कुछ हुआ 13 अगस्त 2020। तो ये एक चीज थी 133 सी की जो मैं सोचता था कि आपके साथ शेयर कर लूं। एक और चीज, 13 अगस्त पे आता हूं, 13 अगस्त पे एक और काम क्या हुआ है सर, अपील्स, उसको डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। अपील्स, अपील्स के लिए एक रोड मैप आ गया, फाइनेंस एक्ट 2020 में लॉ में चेंज हो गया था सर, फाइनेंस एक्ट 2020 में लॉ में चेंज हो गया था, सेक्शन 250 कंसर्निंग द सीआईटी अपील। तो अपील्स बिफोर सीआईटी अपील में वो इनेबलिंग प्रोविजन ले आए थे, क्या कि सीआईटी अपील्स के पास जो अपील्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फेसलेस मोड में हो पाएंगी, ऐसी एक स्कीम गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ये असेसमेंट ई मोड में हो जाएंगे, फेसलेस मोड में हो जाएंगे, इसकी इनेबलिंग प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 18 में आ गई थी, उन्होंने अमेंड किया था सेक्शन 143 सबसेक्शन 3A, 3B, 3C ये वहां पर इंसर्ट हुए थे। ऐसे 250 अमेंड हो गया फाइनेंस एक्ट 2020 से, जिसमें 6B, 6C, 6D ये उन्होंने इंसर्ट किए, इनेबलिंग प्रोविजन लेकर आए थे 2020 फाइनेंस एक्ट में, जिसके चलते 13 अगस्त को ये अनाउंस हुआ कि जो उसकी रेस्पेक्टिव स्कीम है फेसलेस अपील्स की वो नोटिफाई होगी, और इफेक्टिव डेट उन्होंने अनाउंस कर दी कि 25 सितंबर 2020 से अपील्स भी फेसलेस हो जाएंगी। जब स्कीम नोटिफाई होगी तब हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि 25th ऑफ सितंबर से जितनी हमारी पेंडिंग अपील्स हैं शायद वो सब ट्रांसफर हो जाएंगी फेसलेस मोड में। सो वी हैव टू बी रेडी कि आने वाले टाइम में जो अपील्स भी होंगी वो सब फेसलेस मोड में होंगी। 25 सितंबर तक का ये एक ब्लॉक अवेलेबल है सीआईटी अपील के पास डिस्पोजल करने के लिए। सीआईटी अपील की बात चली रही है तो एक चीज और बताऊं, 9 जुलाई 2020 को एक गाइडलाइन है सीबीडीटी की, लेटर है जिसमें उन्होंने सीआईटी अपील को बोला कि आप गाइडलाइन है कि इसे आप 10 लाख से नीचे जहां टैक्स इफेक्ट है, 10 लाख से नीचे जहां टैक्स इफेक्ट है, और पुरानी अपील्स मतलब जो 31st 3 2016 तक फाइल हो गई थी वो अपील्स, वो आप डिस्पोज ऑफ कीजिए। ये 9 जुलाई 2020 का लेटर है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट। यस, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो जस्ट मिनट ये
यस सो मेरी स्क्रीन आ रही है कि एनीवे 9 जुलाई 2020 का ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 10 लाख से कम का जहां टैक्स इफेक्ट है, 10 लाख से कम का जहां टैक्स इफेक्ट है और जो अपील्स 31/3/16 तक फाइल हो गई थी उसका आप डिस्पोजल स्टार्ट कर दीजिए, 80 अपील आप हर महीने डिस्पोज ऑफ की कर लीजिए, ये गाइडलाइन थी। तो इसके चलते 25 सितंबर तक जो अभी मैनुअल मोड में आपकी अपील्स चल रही हैं, ये वाली कैटेगरी ऑफ अपील्स 10 लाख से नीचे का टैक्स इफेक्ट और 31/3/16 तक, और 31/3/16 तक जो अपील्स फाइल हुई थी वो हम डिस्पोजल के लिए परस्यू कर सकते हैं, ये अभी मैनुअल ही चल रहा है, एक बात हो गई है। तो ये 13 अगस्त को जो जो चेंजेस हुए वो मैंने समरी वे में आपके साथ शेयर किए कि 13 अगस्त का एक न्यूज आइटम की तरीके से ये आइटम है। आगे चलते हैं सर, अब जो फेसलेस असेसमेंट की बात है, नोटिफिकेशन 2019 में आया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके फिर से नोटिफिकेशन आया, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर सिक्स। ये नोटिफिकेशन है, जो पहले स्कीम थी फेसलेस असेसमेंट की लगभग तो वही स्कीम है, छोटे मोटे चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले फेसलेस मोड की जो स्कीम है जिसमें 18-19 ऑलरेडी चल रहा है, वो स्कीम क्या है, वो स्कीम ये है सर कि एक तो उन्होंने नोटिफाई किया है नैक, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर करके अलग से अथॉरिटी नोटिफाई की है जिसमें एक टीम है, और फिर दूसरे उन्होंने रीजनल ई असेसमेंट सेंटर करके ये नोटिफाई किए हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनाया है, एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, नैक बोल रहे हैं हम उसको, और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स हैं जिनको हम रैक बोल रहे हैं। इस तरीके से ये सारा स्ट्रक्चर बनाया है। अब वो स्ट्रक्चर रिवाइज किया है, रिवाइज किया का मतलब एक्सपेंड किया है, और अब 30 सीसी रेंज बनाई है, 30 सीसी रेंज बनाई है, उसमें 155 सीआईटी रेंज है, जिस अंदर 380 असेसमेंट यूनिट उन्होंने बनाई है, 125 कुछ वेरिफिकेशन यूनिट बनाई है, 63 रिव्यू यूनिट बनाई है, और 12 आपकी टेक्निकल यूनिट बनाई है। ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है ई असेसमेंट के लिए। जो कम्युनिकेशन का मोड है, जो कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है एसएससी के साथ, वो किसी भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर का नहीं है, कम्युनिकेशन जो एसएससी के साथ होगा वो केवल नैक का होगा। सो जो फ्रंट विंडो है इस स्कीम में उसको हम कह रहे हैं नैक। जो भी नोटिस हमारे पास आए, जो रिप्लाई आप फाइल कर रहे हो, वो सब नैक के पास जा रहे हैं। स्कीम किस तरह से बनाई है कि देयर विल बी अ नैक, जो नैक ऑलरेडी नोटिफाइड है, 143(2) के नोटिसेस कौन इशू करेगा, नैक इशू करेगा, नैक नोटिस इशू कर देगा सर। कैश में जो सिलेक्शन होते हैं उसमें रीजन भी लिखा आता है, तो आपके नोटिस में रीजन भी लिखा आएगा आता है। जो 19 में नोटिस आए हमारे पास नैक से, उसमें लिखा हुआ था, शॉर्ट में रीजन लिखा हुआ था, वो 15 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको रेस्पॉन्ड करने के लिए, किसका, 143(2) के नोटिस को रेस्पॉन्ड करने के लिए 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो रीजन लिखा हुआ है आपके 143(2) के नोटिस में, ये पहले नहीं होता था, 143(2) के नोटिस में जो रीजन लिखा हुआ है, वो रीजन अगर गलत है, आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो उस रीजन का ऑब्जेक्शन टेक्निकली स्पीकिंग आप फाइल कर सकते हो विद इन 15 डेज। वो रीजन आपके लिए अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आई डोंट नो कि अगर रीजन गलत है तो क्या वो 3-2 को ड्रॉप कर देंगे या क्या करेंगे, लेकिन एक विंडो उन्होंने दी हुई है कि विद इन 15 डेज यू कैन रिप्लाई, यू कैन रेस्पॉन्ड टू द नोटिस इटसेल्फ अंडर सेक्शन 143(2). असेसमेंट कौन करेगा, असेसमेंट कोई असेसमेंट यूनिट करेगा। असेसमेंट यूनिट किसके अंडर में है, वो रैक के अंडर में है।
तो रैक के अंडर में जो सीआईटी रेंज है उनके अंडर में जो असेसमेंट यूनिट्स हैं उनमें से कोई एक असेसमेंट यूनिट आपका असेसमेंट करेगा। कौन सा असेसमेंट यूनिट करेगा ये उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर से रेंडमली आइडेंटिफाई करेंगे। तो किसी भी एसएससी का केस किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी असेसमेंट यूनिट को असाइन कर देंगे। 2019 की भी स्कीम यही है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो रिकअप कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो किसी भी असेसमेंट यूनिट को ऑल ओवर इंडिया आपका असेसमेंट असाइन कर देंगे। इसका मतलब ये है सर कि मेरा जो ये ज्यूरिडिशनल एओ का कॉन्सेप्ट था ये डाइल्यूट हो गया, खत्म नहीं हुआ, डाइल्यूट हो गया। मतलब अब ऑल ओवर इंडिया के जितने असेसमेंट यूनिट्स हैं, रादर पूरा रैक पूरा नैक सबका कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन है और डायनामिक ज्यूरिडिक्शन है। कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन का मतलब ऑल ओवर इंडिया किसी भी असेसमेंट यूनिट को मेरा केस असाइन हो सकता है। तो कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन हो गया, इंडिया के जितना के अंदर असेसिंग ऑफिसर्स हैं जो तो असेसमेंट यूनिट कह रहे हैं हम उनको, जितनी असेसमेंट यूनिट्स हैं सबका मेरे ऊपर ज्यूरिडिक्शन है एक, और डायनामिक ज्यूरिडिक्शन है। डायनामिक का मतलब मेरा जो असेसमेंट है वो इन द कोर्स ऑफ असेसमेंट हो सकता है एक असेसमेंट यूनिट से रिव्यू यूनिट के पास किसी काम के लिए आता है या वेरिफिकेशन यूनिट के लिए किसी काम के लिए रेफर होता है, नैक के पास आता है, कोई काम नैक कर रहा है, कोई असेसमेंट यूनिट कर रहा है, कोई रिव्यू कर रहा है, कोई वेरिफिकेशन यूनिट कर रहा है, और हो सकता है ज्यूरिडिक्शन लेयर के पास भी आ सके। द पॉइंट इज ज्यूरिडिक्शन का जहां तक इशू है वो कंकरेंट है और वो डायनेमिक है, शिफ्ट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो कंकरेंट है, किसी के पास भी इनिशिएट हो सकता है, और डायनेमिक बीच में किसी के पास भी ट्रेवल कर सकता है, ये बात है। तो ये ज्यूरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट है। लौटते हैं सर, मेरा केस किसी भी असेसमेंट यूनिट को असाइन हो सकता है। वो असेसमेंट यूनिट क्वेश्चनेयर तैयार करता है सर, क्वेश्चनेयर तैयार करेगा, वो क्वेश्चनेयर एसएससी को नहीं भेजेगा, वो क्वेश्चनेयर नैक को भेजेगा, नैक एसएससी को कम्युनिकेट करेगा। अब असेसमेंट यूनिट की निगाह से देखिएगा जरा, असेसमेंट यूनिट को क्वेश्चनेयर इंफॉर्मेशन चाहिए किससे, एसएससी से। तो क्वेश्चनेयर तैयार करेगा, उसको नैक को दे देगा और नैक उसको फॉरवर्ड कर देगा असेसी को, और असेसी उसका रिप्लाई करेगा। एक बात, असेसमेंट यूनिट को कोई वेरिफिकेशन कराना है, फील्ड इंक्वायरी करानी है, कोई 131 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है, या तो के बुक्स एग्जामिन करानी है, ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम अगर असेसमेंट यूनिट को कराने हैं फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, खुद तो वो कर नहीं सकता, वो कहां रेफर करेगा? वो रेफर करेगा नैक को कि मुझको ये फील्ड इंक्वायरी करानी है, मुझको ये बुक्स एग्जामिन करानी है, या 131 की स्टेटमेंट कराने हैं। तो ये रिक्वायरमेंट नैक के द्वारा थ्रू नैक इट विल बी ट्रांसफर्ड टू सम वेरिफिकेशन यूनिट। ये वेरिफिकेशन यूनिट का ही काम है, वो किसी वेरिफिकेशन यूनिट को चली जाएगी। उन्होंने 105 के करीब वेरिफिकेशन यूनिट नोटिफाई करे हैं, इन 105 वेरिफिकेशन यूनिट में से किसी एक वेरिफिकेशन यूनिट में रैंडम बेसिस पर ये रिक्वायरमेंट किसकी, असेसमेंट यूनिट की, ये रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन यूनिट के पास चली जाएगी। क्योंकि सर ये फील्ड इंक्वायरी का काम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन होने की बात हो रही है या 131 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये जो वेरिफिकेशन यूनिट होगी ये आपके फिजिकल ज्यूरिडिक्शन के आसपास ही कोई वेरिफिकेशन यूनिट होगी, ताकि वो आपको बुला करके ये बुक्स एग्जामिन करने का काम या फील्ड इंक्वायरी का काम कर सकें। क्योंकि फील्ड इंक्वायरी का काम है, इससे ये अंदाज लग जाता है कि ये वेरिफिकेशन यूनिट जो एसएससी की फिजिकल लोकेशन है या जिसका 131 रिकॉर्ड होना है उसकी जो फिजिकल लोकेशन है उसके आसपास कहीं ये वेरिफिकेशन यूनिट होगी जिसको ये टास्क असाइन होगा। वापस लौटता हूं असेसमेंट यूनिट पे। तो असेसमेंट यूनिट ने एसएससी से इंफॉर्मेशन चाहिए, नैक के थ्रू एसएससी के पास क्वेश्चनेयर आ रही है, असेसमेंट यूनिट को कोई वेरिफिकेशन फील्ड इंक्वायरी करानी है, तो नैक के थ्रू किसी ना किसी वेरिफिकेशन यूनिट के पास ये टास्क होने के लिए जा रहा है। इसी तरीके से असेसमेंट यूनिट से फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूएशन कराना है या ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू है, तो उसके लिए उन्होंने बनाई है, टेक्निकल काम के लिए उन्होंने एक यूनिट बनाई जिसका नाम दिया टेक्निकल यूनिट। तो उन्होंने बारह टेक्निकल यूनिट नोटिफाई की है
तो किसी ना किसी टेक्निकल यूनिट को ये टास्क रेफर होगा थ्रू नैक, थ्रू नैक ये है। तो असेसमेंट यूनिट असेसिंग से क्वेश्चन बिपिन जी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। बिपिन जी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, बिपिन जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। विपिन जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरुण भाई साहब बिपिन जी की आवाज आ रही है आपको? नहीं, बिपिन जी को आप भाई साहब फोन कर दीजिए जरा प्लीज। कर दिया हूँ, ठीक कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम के मारे बिपिन जी की वॉइस हमारे पास नहीं आ पा रही है। ठीक है बॉस, 5 मिनट वो टेक्निकल ठीक कर रहे हैं, 5 मिनट बाद हम बिपिन जी को फिर दोबारा सुनेंगे। एक अच्छा मोशन बनना था बिपिन जी पूरा। हेलो जी बिपिन जी, अभी आ रही है आवाज? परफेक्ट। हेलो, परफेक्ट बिपिन जी। मैं फोन से ट्राई कर रहा हूँ इसमें। नहीं ठीक है, तो आवाज क्लियर तो फिर ठीक है। नहीं आवाज क्लियर है तो मुझे पता नहीं कहाँ तक आवाज क्लियर थी और कहाँ तक नहीं थी। अभी क्लियर है विनय जी? जी प्लीज, अच्छा कंटिन्यू। तो जस्ट अ मिनट।
मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि रजत जैन जी आपका स्पीकर ऑन है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेलो विपिन जी, प्लीज मैं दूसरे फोन से बोल रहा हूँ, रजत जैन वाले फोन से। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके 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 ठीक है। मैं रजत जैन जी को ओपन कर देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट रुकिए, मैं रजत जैन जी को, चलिए विपिन जी प्लीज। हाँ तो पता नहीं बीच में कहाँ छोड़ा था, मैं चालू करता हूँ नैक। सो नैक एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया सर, सारा जो कम्युनिकेशन होगा, जो नोटिस इशू होगा वो नैक इशू कर रहा है, और असेसमेंट यूनिट, किसी एक असेसमेंट यूनिट को हमारे पास असाइन हो जाता है। असेसमेंट यूनिट को जो क्वेश्चनेयर चाहिए वो नैक के थ्रू एसएससी के पास पहुंचेगा। असेसमेंट यूनिट को कोई फील्ड वेरिफिकेशन कराना है, कोई फील्ड इंक्वायरी करनी है, तो नैक को लिखेगा, नैक किसी एक वेरिफिकेशन यूनिट को वो मैटर रेफर करेगा, किसी एक वेरिफिकेशन यूनिट को वो मैटर रेफर करेगा, जो तो फील्ड इंक्वायरी करेगी वो वेरिफिकेशन यूनिट। ये काम नैक के थ्रू होगा। असेसिंग असेसमेंट यूनिट को कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, लाइक वैल्यूएशन, लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग, वो भी वो नैक को ही लिखेगा, और नैक वो टास्क असाइन करेगा किसी टेक्निकल यूनिट को। जो टेक्निकल यूनिट नोटिफाई हुई है, 12 टेक्निकल यूनिट नोटिफाई हुई है, वो किसी एक टेक्निकल यूनिट को वेरीफाई करने टास्क असाइन करेगा, और वो अपनी रिपोर्ट नैक को भेजेगा, नैक असेसमेंट यूनिट के पास भेजेगा। एसएससी जो अपने रिप्लाई नैक को देगा, वो नैक असेसमेंट यूनिट के पास भेजेगा। तो सारा नोडल पॉइंट है नैक। सारे जवाब आने के बाद में, रिपोर्ट्स आने के बाद में, फील्ड वेरिफिकेशन आने के बाद में, जो भी इंक्वायरी असेसमेंट यूनिट को करनी थी वो की उसने, उसके बाद जो ऑर्डर बनाएगा असेसमेंट यूनिट, असेसमेंट यूनिट जो ऑर्डर बनाएगा वो पहले सर एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नैक के पास जाएगा, नैक के पास जाएगा, सीधा एसएससी के पास नहीं जाएगा, नैक के पास जाएगा। नैक उस ऑर्डर को रिव्यू करेगा, रिव्यू करेगा। अब यहां पर एक नई चीज डाली उन्होंने जो पहले मैनुअल में नहीं होती थी। अगर नैक को ये लगता है कि वो असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, तो रिव्यू के लिए उन्होंने रिव्यू यूनिट नोटिफाई किए हैं। 63 रिव्यू यूनिट्स हैं। ये बात चल रही थी ना सर, बात चलती है कि असेसमेंट कोई करेगा, उसको कोई रिव्यू भी करेगा। तो अगर नैक को लगता है कि रिव्यू की जरूरत है, ईच एंड एवरी, जहां नैक को लगता है कि रिव्यू की जरूरत है, उन केसेस को वो रिव्यू यूनिट के पास रिव्यू के लिए भेजेगा। रिव्यू यूनिट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू करेगा। सर क्योंकि आपका सारा डेटा तो ऑनलाइन ही है, तो वो डेटा जो असेसमेंट रिकॉर्ड बन गया, वो ऑनलाइन असेसमेंट रिकॉर्ड है, उसकी एक्सेसिबिलिटी रिव्यू यूनिट के पास होगी, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर उसके पास होगा, तो असेसमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू करेगा कि लीगल इश्यूज पर और एविडेंस के इश्यूज पर कि जो है जो क्वेरीज की गई थी उनके सारे एविडेंस आ गए नहीं आ गए, ड्राफ्ट ऑर्डर में नहीं हो गए, जो तो भी है, रिव्यू यूनिट उसको रिव्यू करके, ये रिव्यू वैसी सी चीज लगती है मुझको जैसे 263 है, वैसी सी कह रहा हूँ सर, 263 नहीं है ये, वैसी सी कह रहा हूँ। तो ये रिव्यू होगा। अगर रिव्यू यूनिट कोई मोडिफिकेशंस, कोई अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो असेसमेंट यूनिट ने तैयार किया था उसमें रिव्यू यूनिट कोई मोडिफिकेशन सजेस्ट करता है नैक को, तो क्या होगा सर, नैक आपका केस असाइन कर देगा किसी दूसरी असेसमेंट यूनिट को। ये नया डाला है, ये अभी 13 अगस्त वाला जो नोटिफिकेशन है इसमें एक नया प्रोसीजर उन्होंने ऐड किया है। आई रिपीट, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नैक के पास पहुंचा है, अगर नैक को लगता है कि रिव्यू की जरूरत है, तो वो किसी रिव्यू यूनिट को असाइन करेगा। वो रिव्यू यूनिट अगर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में मॉडिफिकेशंस सजेस्ट करता है तो केस ट्रांसफर हो जाएगा, असेसमेंट किसी और असेसमेंट यूनिट पर ट्रांसफर हो जाएगा, जो ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट थी वहां
नहीं रहेगा। कारण क्या है सर? क्योंकि रिव्यू यूनिट ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में मॉडिफिकेशंस सजेस्ट किए हैं, ये केवल कारण है, तो वो असेसमेंट यूनिट चेंज कर रहे हैं। वो दूसरा असेसमेंट यूनिट फिर से उन मॉडिफिकेशंस को कंसीडर करते हुए ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा और नैक के पास भेजेगा। तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की दो फेट हो गए सर, असेसमेंट यूनिट से जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर चला उसके दो फेट हो गए। एक ये कि उसको रिव्यू यूनिट के पास भेजने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, या उसको रिव्यू यूनिट के पास भेजा जा रहा है। अगर भेजा जा रहा है तो अगर मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन सजेस्ट हुए हैं, तो किसी दूसरी असेसमेंट यूनिट को असाइन हो रहा है और फिर वापस दूसरी असेसमेंट यूनिट से वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर वापस ट्रेवल कर रहा है नैक के पास। ऐसे तो ये करके नैक के पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर अवेलेबल हो गया। अब ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से जो एडिशंस बनते हैं उसको लेकर के एक शो कॉज नोटिस इशू होगा। कौन इशू करेगा सर? नैक। ये शो कॉज नोटिस नैक इशू करेगा असेसी को। हमारी ये शिकायत रहती थी ना सर लिटिगेशन में हमेशा कि शो कॉज नोटिस नहीं इशू किया जो प्रपोज्ड एडिशंस थे। तो अब सिस्टम में एसेंशियली शो कॉज नोटिस का कॉन्सेप्ट है, एज पर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो एडिशंस प्रपोज्ड हैं उनको लेकर के एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा नैक असेसी को। असेसी उस शो कॉज का जवाब देगा। अब उसको पता पड़ गया कि मेरे किस ग्राउंड पर कौन से एडिशंस होने हैं। इस स्टेज पे सर जो अरुण भाई साहब बात कर रहे थे वो बड़ी रेलेवेंट हो जाती है, बहुत रेलेवेंट हो जाती है। ये जो फाइनली क्रिस्टलाइज होकर के रिव्यू यूनिट के पास गया या रिव्यू यूनिट के पास नहीं गया, गया तो नहीं गया तो, वो सब इनकॉर्पोरेट होकर के मेरे को एक शोकॉज नोटिस मिल गया है जिसमें प्रपोज्ड एडिशंस हैं और उसके ग्राउंड्स हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत क्लियर नहीं लिखा, मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, पर नहीं भी करेंगे तो एडिशंस तो वो शोकॉज नोटिस में शेयर करेंगे ही करेंगे। द पॉइंट इज दिस इज अ स्टेज विच इज लाइक अपील स्टेज। जैसे अपील में हम स्पेसिफिक एडिशंस को लेकर के अपने सबमिशंस फाइल करते हैं, साथ में केस लॉस फाइल करते हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, वो कैस क्या होते हैं सीआरटी अपील के आगे सर, हम एडिशन वाइज ग्राउंड्स लेकर के अपने सारे सबमिशंस फाइल करते हैं। ये सेम वैसी सी ही स्टेज हो गई जब नैक से मेरे पास शो कॉज नोटिस आ रहा है, तो उस स्टेज पे मुझको एकदम डिटेल्ड सबमिशंस हर प्रपोज्ड एडिशन के अगेंस्ट में जो मुझको कहना है वो फाइल करना चाहिए। तो उस स्टेज पे जो ड्राफ्टिंग की बात है, जो एविडेंसेस की बात है कि सारे एविडेंसेस रिकॉर्ड पे आ जाएं, मेरे सारे सबमिशंस रिकॉर्ड पे आ जाएं, मेरे सारे लीगल आर्ग्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर आ जाएं, तो इस शो कॉज नोटिस का जवाब चाहे हम खुद बनाएं, चाहे हम एक दूसरे की हेल्प ले लें, लेकिन वो जवाब एकदम सटीक बनना चाहिए। ये हमको थोड़ा सा अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत रहेगी। ये शो कॉज नोटिस का जवाब चला जाएगा तब असेसमेंट यूनिट के पास पहुंच जाएगा सर ये जवाब थ्रू नैक, हमारा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। अब असेसमेंट यूनिट शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में जो जवाब असेसी ने दिया है उसको कंसीडर करते हुए ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तैयार करेगा। हो सकता है वो कुछ एडिशंस जो प्रपोज्ड थी उनको ड्रॉप कर दे, और हो सकता है ना ड्रॉप करे, व्हाटएवर, वो दोबारा से एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ड्राफ्ट करेगा। इसमें एक मजे की बात है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में एडिशंस नहीं थे अब कोई नए एडिशन प्रपोज होकर के आ जाए, जो तो शो कॉज नोटिस के बाद ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बन रहा है उसमें कोई नए एडिशन प्रपोज होकर आ जाए नैक के पास। अगर नए एडिशन प्रपोज होकर आ जाते हैं नैक के पास असेसमेंट यूनिट से, तो नैक को फिर से एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा असेसी को फॉर द पर्पसेस ऑफ दोज न्यू प्रपोज्ड एडिशंस। वो जो नए एडिशंस प्रपोज हो गए हैं उनके लिए फिर से एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, फिर से मैं जवाब दूंगा उन नए प्रपोज्ड एडिशंस पे, वो जाएंगे, वो जवाब जाएगा असेसमेंट यूनिट के पास और फिर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा नैक के पास।
और ये फाइनल असेसमेंट ऑर्डर अलोंग विद डिमांड नोटिस अलोंग विद पेनल्टी नोटिस असेसी को सर्व होगा। ये प्रोसीजर है सर, ये फेसलेस ई असेसमेंट का नेट नेट ब्रीफ में ये प्रोसीजर है, ये रहेगा। तो इसमें ध्यान रखने की बातें क्या है सर, एक तो मैंने शो कॉज नोटिस वो तो मैंने डिस्कस कर लिया सर, एक बात। दूसरी बात सर, जो एडजर्नमेंट्स का सिस्टम है तो वो भी अरुण जी ने टच किया। हम इस तरह से तो नहीं चल सकते, क्योंकि ये नहीं कि अनलिमिटेड एडजर्नमेंट्स मुझको मिलने वाली है, ऐसा तो शायद नहीं होगा। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं शायद वो गाइडलाइंस भी इशू कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल कि 3 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं मिलेंगी या ऐसा कुछ। एडजर्नमेंट्स मुझको राइटिंग में मांगना है अगर मुझको चाहिए तो, जो उसका रीजन है वो भी मुझको राइटिंग में मांगना है, उसमें मुझको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी देना है। कहने का मतलब यह है सर कि ओरल एडजर्नमेंट्स का जमाना खत्म, जो तो हम फोन पे एडजर्नमेंट ले लेते थे या अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है सब आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, नवंबर में आ जाएंगे, अभी टैक्स ऑडिट चल रहे हैं, वो सब सिस्टम खत्म। तो एडजर्नमेंट्स तो मुझको राइटिंग में लेना है, और वो एडजर्नमेंट्स अनलिमिटेड मिलेंगी ऐसा तो होने वाला नहीं है। उसका रीजन सर ये भी है कि बैंक से अगर नैक के पास असेसमेंट ऑर्डर, जो कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है, नहीं पहुंचेगा तो नैक कैसे डिसाइड करेगा कि इसको रिव्यू यूनिट के पास जाना है कि नहीं जाना है, फिर उसको शो कॉज भी इशू करना है, उस शो कॉज पे वापस असेसमेंट यूनिट को काम करना है, इस सब के लिए टाइम चाहिए। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारा जो सबमिशंस का स्टाइल है, जो असेसमेंट को हैंडल करने का स्टाइल है, वो थोड़ा हमको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, इन दी सेंस के हमको टाइमली रिप्लाई फाइल करने की पोजीशन में आना होगा। ये सर दूसरी दो तीन बातें और डिस्कस करूं इसी प्रोसेस में, जो प्रॉब्लम्स अलग तरीके से आएंगी। से फॉर एग्जांपल जो 68 के हम लोग सबमिशन करते थे, जिसमें हम क्रेडिट वर्दीनेस, जेन्यूननेस, बैंक स्टेटमेंट, ये सब कुछ फाइल करते थे, तो असेसिंग ऑफिसर एक 133(6) में नोटिस इशू करता था थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को और डायरेक्ट कंफर्मेशन मंगाता था। ये तो आपके पास आई है, उसी में रिप्लाई कर दीजिए। प्रैक्टिकली आवाज क्लियर है सर? असेसिंग ऑफिसर करता था, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मंगाता था क्रेडिटर्स से, हम भी हेल्प करते थे कि वो कंफर्मेशन टाइम से असेसिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाए। ये प्रैक्टिकल बात थी, हमको पता होता था कि 36 इशू हुए हैं, जिन पार्टियों को इशू होते थे हम भी हेल्प करते थे असेसिंग ऑफिसर के पास उन कंप्लायंस को कराने के लिए। अब इस सिस्टम में जहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हमें यही नहीं मालूम कि 133(6) किन पार्टीज को इशू हुआ है और वो कंफर्मेशन, वो कंप्लायंस उन्होंने किए या नहीं किए। ये जो 133(6) इशू होने हैं सर, ये नैक करेगा, ये असेसमेंट यूनिट को किसी कम्युनिकेशन का कोई राइट नहीं है। असेसमेंट यूनिट को 133(6) चाहिए तो वो नैक को रिक्वेस्ट करेगा, नैक वो नोटिस सर्व करेगा उन थर्ड पार्टीज को, और अगर फील्ड इंक्वायरी की जरूरत है तो वेरिफिकेशन यूनिट करेगा। द पॉइंट इज, हमको ये नहीं मालूम कि किन पार्टियों को 36 के नोटिस इशू हुए हैं, 133(6) के नोटिस इशू हुए हैं, और हम उसमें कोई कंप्लायंस में मदद कर सकते। इसका मतलब ये है सर, हमें तो ये प्रिज्यूम ही करना पड़ेगा कि जितने भी केसेस थे 68 के जिसमें 133(6) की पॉसिबिलिटी थी, हम तो ये मानकर चलें कि सब जगह 133(6) शायद इशू हुए हों। तो हमको अगर परस्यू करना है तो पहले से उन पार्टीज को परस्यू करके जानकारी लेके कि कोई 36 तो नहीं आया, आया है तो उसका कंप्लायंस हो जाए, ये इंश्योर करना पड़ेगा। ये सब ऑनलाइन कंप्लायंस है, सब ऑनलाइन कंप्लायंस है, जो थर्ड पार्टीज को भी 133(6) के रेस्पॉन्स में करने हैं। तो क्या प्रिकॉशन बना? प्रिकॉशन ये बना सर, हमारे क्रेडिटर्स के एड्रेसेस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो करेक्ट होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, वरना वो बाउंस कर जाएंगे। अभी मैनुअली बाउंस करते थे तो हमें पता पड़ जाता था, तो हम फिर फ्रेश एड्रेस देते थे। ये जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश एड्रेस हम प्रोवाइड करते थे, ये अब हमको मिलने वाली नहीं है। ये एक प्रिकॉशन की बात है। तो 133(6) के नोटिसेस की बात हो गई एक। दूसरी बात सर ये आती है कि
जब शो कॉज नोटिस हमको मिलेगा तो ओरल हियरिंग क्या बिल्कुल ही नहीं मिलेगी? बैन है क्या ओरल हियरिंग, या हमको पर्सनल हियरिंग मिलेगी? शो कॉज नोटिस में जब एडिशंस क्रिस्टलाइज हो गए, प्रपोज्ड एडिशंस क्रिस्टलाइज हो गए, तो क्या हमको ओरल हियरिंग मिलेगी या ओरल हियरिंग बिल्कुल बैन है? तो अब जो 13 अगस्त का नोटिफिकेशन है सर, बैन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपको ओरल हियरिंग चाहिए तो आप रिक्वेस्ट डालिए। रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा कौन? जो रेस्पेक्ट, जहां जिस रैक में असेसमेंट यूनिट फॉल करती है उस रैक का रीजनल ई असेसमेंट सेंटर का सीसी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा कि आपको ओरल हियरिंग दी जाए या ना दी जाए। एक ये एक बात है। दूसरी बात, उन्होंने पैरा 12 में डाल दी कि हम नोटिफाई करेंगे, सीबीडीटी नोटिफाई करेगा आने वाले टाइम में कि किन सिचुएशंस में ओरल हियरिंग दी जा सकती है। दो चेक हो गए सर। नंबर वन, ओरल हियरिंग किन सिचुएशंस में दी जा सकती है? मेरा केस उन सिचुएशंस में फॉल करना चाहिए, वो सिचुएशंस जो नोटिफाई होंगी एज पर पैरा 12 ऑफ द नोटिफिकेशन जो 13 अगस्त का है। एक दूसरा, मैं जब रिक्वेस्ट डालूंगा ओरल हियरिंग की, पर्सनल हियरिंग की, वो सीसी जो उस रैक का सीसी है जिस रैक में मेरी असेसमेंट यूनिट फॉल करती है, वो सीसी ने उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना चाहिए। जब ये दो बातें बनेंगी तब मुझे ओरल हियरिंग मिलेगी। ओरल हियरिंग कहां मिलेगी? मेरे लोकल ज्यूरिसडिक्शन में? द आंसर इज नो। ये ओरल हियरिंग आपको मिलेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जैसे इस समय हम सेमिनार कर रहे हैं। ये ओरल हियरिंग आपको मिलेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसी तरह के किसी वेबएक्स, क्या है ये यूटिलिटी, इस तरह की किसी यूटिलिटी पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिलेगी, वही ओरल हियरिंग है। 1-to-1 फिजिकल ओरल हियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक तो असेसी को ओरल हियरिंग की रिक्वेस्ट का कारण हो सकता है, एक मान लीजिए वेरिफिकेशन यूनिट कोई फील्ड इंक्वायरी कर रही है, उसको 131 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, उसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की बात है, वहां उसको रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझको ओरल हियरिंग चाहिए, और 131 के स्टेटमेंट की जब रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो वो भी तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, तो वो ओरल हियरिंग ही है, तो वो कैसे होगा? वहां भी कॉन्सेप्ट यही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ओरल हियरिंग मिलेगी उन सिचुएशंस में जो सिचुएशंस नोटिफाई की जाएंगी एज पर पैरा 12। रिजल्ट क्या है सर? ओरल हियरिंग एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, एकदम रेस्ट्रिक्टेड है। सीसी के अप्रूवल से आपको ओरल हियरिंग मिल रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये जैसे अभी हम आज सेमिनार कर रहे थे, आवाज बंद हो गई, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आ सकती हैं। तो अपने को जो है सर वो थोड़ा आईटी नेटवर्क ठीक करना पड़ेगा कि एक सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो दूसरा सिस्टम चल पड़ेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो पूरी हो जाए वो जिस समय मेरे बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं या मैं ओरल हियरिंग में हूँ शो कॉज की। तो जैसे ये बिल्कुल कोर्ट हियरिंग जैसा सिस्टम हो गया, तो एक ओरल हियरिंग आपको सीसी के अप्रूवल से, एक नहीं मतलब एक कोई नंबर नहीं उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे, ओरल हियरिंग सीसी के अप्रूवल से मिलेगी, कोई मल्टीपल हियरिंग मिलेंगी ऐसा भी होने वाला नहीं है। सो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन फॉर ओरल हियरिंग, ये कॉन्सेप्ट है। एक सवाल आता है सर कि क्या ज्यूरिसडिक्शनल हियरिंग होंगी नहीं, ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास हियरिंग हो ही नहीं सकती, मींस डिपार्टमेंट के पास भी कोई राइट नहीं बचा? तो डिपार्टमेंट के पास राइट बचा है सर, डिपार्टमेंट के पास उन्होंने राइट रिजर्व रखा है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर ट्रांसफर करना पड़े केस ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास, जो आपका फिजिकल ज्यूरिसडिक्शनल एओ है वहां पर ट्रांसफर करना पड़े, तो उन्होंने कहा कि सीबीडीटी के अप्रूवल से, सीबीडीटी के अप्रूवल से केस ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम फेसलेस मोड टू नॉर्मल मैनुअल मोड, उसमें सीबीडीटी का अप्रूवल लगेगा एज पर नोटिफिकेशन ऑफ 13 अगस्त। ये पोजीशन है सो फार एज द मैनुअल हियरिंग इज कंसर्न। आगे चलते हैं सर, थोड़ी सी बात करते हैं सर 148 के केसेस जो 2019 में फेसलेस मोड में नहीं थे अब फेसलेस मोड में आ गए, सारे पेंडिंग केसेस फेसलेस मोड में आ गए। पहले पेंडिंग केसेस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई 143(3) के केस पेंडिंग चल रहे थे मैनुअल मोड में और अब वो फेसलेस मोड में आ गए, तो प्रोविजन उन्होंने ये किया कि अब नैक इंटीमेट करेगा एसएससी को
कि आपका केस ट्रांसफर हो गया है फेसलेस मोड में, और जो सबमिशन होंगे वो फेसलेस मोड में होंगे साइट पे जैसे आप अपलोड करते हो। तो आई सपोज जितने सबमिशन अब तक फाइल हो चुके, अगर ITBA पे फाइल हुए हैं तो वो तो शिफ्ट हो जाएंगे असेसमेंट यूनिट के पास में, और अगर कोई मैनुअल सबमिशन अगर हुए हैं, हालांकि मैनुअल सबमिशन के लिए मनाई ही थी लास्ट ईयर भी, यही कहा जाता था कि आप ITBA पर अपलोड कीजिए, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि कई बार कवरिंग लेटर अपलोड करते थे और एनेक्सर्स मैनुअली फाइल करते थे। तो हो सकता है जितने केसेस ट्रांसफर हुए हैं वहां पे कुछ मैनुअल सबमिशन भी हो, वो या तो एसएससी दोबारा फाइल करेगा अपलोड करेगा, और या वो स्कैन होकर के जो ज्यूरिडिक्शनल एओ है वो फाइल को ट्रांसफर करेगा। ये निटिग्रिटीज हैं जो आने वाले टाइम में शायद क्लैरिफिकेशन आएंगी, एक बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है सर, वो है 148 के केसेस जब फेसलेस मोड में होने हैं, तो 148 के केसेस तो बेस होते हैं सर रीजन टू बिलीव पे। तो ये रीजन टू बिलीव कौन रिकॉर्ड करेगा, ये एक सवाल है जो माइंड में आता है कि आपने उसको फेसलेस मोड कर दिया, रीजन टू बिलीव कौन रिकॉर्ड करेगा। रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करने के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास असेसमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर असेसमेंट रिकॉर्ड बिना देखे असेसिंग ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करता है सर, हम क्या करते हैं, हम अपील में पहला ग्राउंड यही लेते हैं कि द असेसी हैज नॉट एग्जामिन्ड, द एओ हैज नॉट एग्जामिन्ड द असेसमेंट रिकॉर्ड, एंड विदाउट एग्जामिनिंग द असेसमेंट रिकॉर्ड ही हैज रिकॉर्डेड द रीजंस, एंड देयरफॉर द रीजंस आर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड देयरफॉर लायबल टू बी क्वेश्चन्ड। ये हमारा ग्राउंड होता है। तो ये रीजंस कौन रिकॉर्ड करेगा, ये जो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन का मामला है जिसमें मेरा असेसमेंट किसी भी असेसमेंट यूनिट को रैंडम बेसिस पे कंप्यूटर असाइन करता है, वो रैंडमली, वो तो असेसमेंट इनिशिएट होने के बाद की बात है, लेकिन असेसमेंट इनिशिएट होने से पहले जो रीजंस रिकॉर्ड होने हैं वो कौन रिकॉर्ड करेगा। ये नोटिफिकेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है, बट दैट इज अ क्वेश्चन मे बी के जो रीजंस रिकॉर्ड करने का काम है वो ज्यूरिसडिक्शनल एओ करेगा, और उसके बाद में केस या 148 नोटिस इशू करने की स्टेज होगी, तो वो केस किसी तो नेक को असाइन होगा पहली बात, तो असेसमेंट रिकॉर्ड्स के साथ में, उसके बाद में किसी असेसमेंट यूनिट को असाइन होगा, फिर वो नेक के थ्रू 148 का नोटिस इशू होगा। तो ऐसा लगता है सर कि जहां तक रीजंस रिकॉर्ड करने की बात है, क्योंकि असेसमेंट रिकॉर्ड्स कोई ऑनलाइन तो शायद अवेलेबल नहीं है, मतलब ITBA के पास इंटरनली भी वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर कोई भी असेसमेंट यूनिट रीजंस रिकॉर्ड कर ले, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि रीजंस रिकॉर्ड करने का काम तो असेसिंग ऑफिसर जो ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है वही करेगा। 148 के नोटिस इशू करने से आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शायद फेसलेस मोड में होंगी, ये एक बात। 148 के नोटिस इशू करने में बहुत सारे लीगल इश्यूज हो जाते थे, हम कहते थे सर्विस प्रॉपर नहीं है, वो सारा लिटिगेशन शायद और वो सारे लिटिगेशन वर्क आल्सो शायद अब अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि नोटिसेस तो अब ऑनलाइन आ रहे हैं, आपके लॉगिन साइट पर अवेलेबल होगा, मेल पर अवेलेबल होगा। इसमें सर खास बात क्या है जो ध्यान रखनी है कि हम अपने सारे असेसीज के ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स अपडेट कर दें वहां पर। आई सपोज कि दो ईमेल आईडीज और दो फोन नंबर्स अलाउड हैं जो हम साइट पे अपडेट कर सकते हैं, तो आई सपोज कि एक फोन नंबर एसएससी का, एक फोन नंबर काउंसिल का, एक ईमेल आईडी एसएससी का, एक ईमेल आईडी काउंसिल का, जो लेटेस्ट ईमेल आईडी है वही वहां पे अपडेटेड हो। ऐसा नहीं हो कि कोई नोटिस सर्व हो और वो पता नहीं पड़े, क्योंकि नोटिस जो ई मोड से आ रहे हैं वहां पे नोटिस सर्विस के जो लिटिगेशन हैं वो कोई डिफेंस हमारे को अवेलेबल अब शायद नहीं होगा। तो नोटिस सर्विस के इश्यूज 148 के केस में पर्टिकुलरली इस फेसलेस मोड में अराइज नहीं होंगे। हो सकता है सर क्योंकि रीजंस रिकॉर्ड कोई करेगा, ज्यूरिसडिक्शनल एओ करेगा, असेसमेंट कोई असेसमेंट यूनिट करेगी, तो ये रीजंस तो ऑनलाइन अवेलेबल कराना पड़ेंगे ज्यूरिसडिक्शनल एओ को, नैक को अवेलेबल कराना पड़ेंगे, नैक को उस असेसमेंट यूनिट को अवेलेबल कराना पड़ेंगे। तो शायद इट कुड बी कि 148 के नोटिस के साथ आपको रीजंस भी मिलने लगे, आई एम जस्ट इट इज अ विशफुल थिंकिंग, हो सकता है कि 148 के नोटिस के साथ आपको रीजंस भी मिलने लगे,
वरना कम से कम 148 के बाद रिटर्न फाइल करने के बाद जब आप रिक्वेस्ट डालते हो कि मेरे को रीजंस चाहिए, और जो आज हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि रीजंस हमको दिए नहीं जाते, वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगी कि जब 148 की रिटर्न हम ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, साथ में ये डालेंगे कि हमको रीजंस की कॉपी दी जाए, तो रीजंस तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। अब 148 को आगे बढ़ाऊं सर, तो फेसलेस मोड में आप रीजंस के ऑब्जेक्शंस फाइल करते हो, जो लीगल ऑब्जेक्शंस भी होते हैं और फैक्चुअल ऑब्जेक्शंस भी होते हैं पर्टेनिंग टू द असेसमेंट रिकॉर्ड्स। से फॉर एग्जांपल 143 में मेरा पहले से असेसमेंट हो चुका होता है और उसके बाद अगर 148 होता है, तो बहुत बार हम ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं कि इट इज अ चेंज ऑफ ओपिनियन कैटेगरी ऑफ थिंग, और हम तो हमसे ये सवाल पहले ही पूछा गया था, हम इसका जवाब ओरिजिनल असेसमेंट में दे चुके थे, ऐसे ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं। अगेन फॉर द डिस्पोजल ऑफ दोज ऑब्जेक्शंस That assessment record will be required. अब assessment unit के पास वो assessment record कहां से आएगा? एक सवाल है। Assessment record again किसके पास है? Jurisdictional level के पास है। तो ये अभी थोड़ी एक हिच है, ये clarity नहीं है कि assessment unit अब उसके जो disposal है उसके लिए वापस उसको approach करना पड़ेगा jurisdictional level को क्या? या assessment record scan होंगे और share होंगे assessment unit के साथ में? What I want to say is कि जो पुराने रिकॉर्ड की जहां पर बात आ रही है, जैसे 148 के केसेस में पुराने असेसमेंट रिकॉर्ड इनएविटेबली रेलिवेंट है, वो तो उसको रेफर करना ही पड़ता है, रीजंस के स्टेज पे भी रेलिवेंट है, रीजंस के ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं उसके डिस्पोजल के लिए भी रेलिवेंट है, तो वो जो मेरे असेसमेंट फिजिकल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आज जुडिशियल लेवल के पास में, वो सो कॉल्ड असेसमेंट यूनिट के साथ कैसे शेयर होगा और उसका कैसे डिस्पोजल करेगी, इसकी गाइडलाइन आज की तारीख में पब्लिक नहीं है। सो दैट इज वन एरिया, और उसमें हो सकता है कोई लीगल इश्यूज ऐसे हो जाएं, अगर असेसमेंट यूनिट बिना फिजिकल असेसमेंट रिकॉर्ड के करेगा तो हमारा जो लीगल डिफेंस है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो फिर एक लिटिगेशन का एरिया बना रहेगा। सिमिलर सिचुएशन आएगी सर, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि अब 13 अगस्त को जो उन्होंने बोला वो ये बोला है कि फेसलेस मोड में ही असेसमेंट ऑर्डर पास होंगे, कोई असेसमेंट ऑर्डर अदर देन फेसलेस मोड अगर पास होगा तो वो नॉन एस्ट होगा, ये ऑर्डर उन्होंने निकाल दिया। तो सारे असेसमेंट्स फेसलेस मोड में होने हैं अदर देन जो सर्च केसेस की असेसमेंट है सेंट्रल रेंज में या इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इसके अलावा सारे ऑर्डर फेसलेस मोड में होने हैं 13 अगस्त के बाद, और कोई ऑर्डर अदरवाइज होता है तो वो नल एंड वॉइड है। इफ दैट बी द केस, तो जहां जहां पुराने रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, 148 मैंने आपके साथ शेयर किया, 263 के सेट असाइड केसेस हैं, वहां भी पुराने रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, ITAT से जो रिमांड बैक होकर आते हैं केसेस, वहां भी पुराने रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, जहां भी पुराने रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, जो फिजिकल रिकॉर्ड आज जुरिसडिक्शनल एओ के पास पड़ा हुआ है, उसको कैसे असेसमेंट यूनिट असेसमेंट करेगा, ये एक सवाल है। तो हो सकता है उनके पास कोई बैकएंड ये उन्होंने प्लान किया हो कि इन केसेस में हम सारा रिकॉर्ड स्कैन करा के और नैक को अवेलेबल करा देंगे, तो शायद हो सकता हो, बट दैट इज अ एरिया जो इस नए स्कीम में आया कि हम तो सारे असेसमेंट इसी मोड में करना चाहते हैं, ये एक बात हो गई सर। इसके रिपरकशंस जो मैं देख रहा था सर क्या हो सकते हैं, एक तो अच्छे या बुरे, एक तो शायद यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए सो फार एज द असेसमेंट ऑर्डर्स आर कंसर्न्ड, मतलब मुझे ऐसा लगता है सर कि जो डिफरेंट स्टैंड लेते हैं डिफरेंट असेसिंग ऑफिसर डिफरेंट इश्यूज पे, दो रूम में आजू बाजू में बैठे हुए असेसिंग ऑफिसर, एक असेसिंग ऑफिसर एक ही इशू पे कुछ ऑर्डर पास करता है और उसका पड़ोसी उसी इशू पे कोई दूसरा असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये शायद कम हो जाए असेसमेंट ऑर्डर्स में, और डिपार्टमेंट की स्टैंड में शायद थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आए, क्योंकि असेसमेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट है जहां पर एक टीम है, एक एडिशनल है, एक डीसी है, 5 ITO हैं, ऐसे एक असेसमेंट यूनिट बनी हुई है और वो नैक के पास जा रहा है, CIT रेंज है, तो शायद असेसमेंट यूनिट्स के ऑर्डर्स में किसी हद तक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले, फिर नैक उसको रिव्यू कर रहा है और रिव्यू यूनिट भी बनी हुई है जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू कर रही है, तो ऐसे रिव्यू की साइकिल जब चल रही है तो ये मुश्किल होगा कि डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट असेसमेंट यूनिट्स डिफरेंट स्टैंड ले, इसमें शायद यूनिफॉर्मिटी आएगी। ये मैं बात कर रहा हूं कि कैसे इकोसिस्टम शायद चेंज होगा
इस फेसलेस ई मोड में एज द टाइम गोज बाय। एक सवाल दूसरा एक ये आता है सर, जब डायनामिक ज्यूरिडिक्शन है, कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन है, तो हम जानते हैं सर डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट व्यूज होते हैं, कई बार डिफरेंट हाई कोर्ट के डिफरेंट व्यूज होते हैं एक ही इशू पे, और मेरा ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट का लॉ मुझ पर एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेसमेंट यूनिट से फॉर एग्जांपल गाजियाबाद का केस चेन्नई चला गया, तो चेन्नई में जो असेसमेंट यूनिट है उसको ये ख्याल करना पड़ेगा कि ये पैन नंबर क्योंकि गाजियाबाद का है तो रेलिवेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो एक इशू पर अगर चेन्नई हाई कोर्ट का कोई व्यू है, मद्रास हाई कोर्ट का कोई व्यू है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई दूसरा व्यू है, तो अब उस असेसमेंट यूनिट को लीगली स्पीकिंग ये ख्याल करना पड़ेगा कि वो पैन नंबर जिसका असेसमेंट किया जा रहा है वो इलाहाबाद के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और उसी असेसमेंट यूनिट के पास कोई बॉम्बे हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का पैन नंबर का असेसमेंट हो सकता है उसी इशू पर, तो उसको बॉम्बे हाई कोर्ट का अगर डिफरेंट व्यू है तो उस व्यू को ध्यान में रख के असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ये एक लीगल इशू है, जब आप ज्यूरिसडिक्शन कंकरेंट करोगे तो एओ का ज्यूरिसडिक्शन तो कंकरेंट हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन तो कंकरेंट आप नहीं कर सकते, वो तो जो मेरा हाई कोर्ट है वही मुझ पर एप्लीकेबल हो रहा होगा। ये एक बात है सर। टाइम हो गया 6:15, तो मुझे थोड़ा आगे चलना चाहिए। अब बात एक की भी सर, इन्होंने लगभग लगभग 2/3 अपनी मैन फोर्स, 2/3 ऑफ द मैन फोर्स लगभग लगभग ट्रांसफर कर दी है रैक में, यानी कि ई असेसमेंट में, और 1/3 फोर्स इनके पास रह गई है जो आपका फिजिकल ज्यूरिसडिक्शनल रेसिडुअल ज्यूरिसडिक्शन है, वो क्या काम देखेंगे ये सवाल है। तो ज्यूरिसडिक्शनल है उसके पास क्या काम रह गया सर, असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद जो डिमांड और रिकवरी का काम है ये ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास है सर, जो पेनल्टी इंपोज करने का काम है ये ज्यूरिसडिक्शनल एओ के ही पास है, जो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने का काम है ये ज्यूरिसडिक्शनल एओ के ही पास है। हम अपील फाइल करेंगे तो अपने ज्यूरिसडिक्शनल सीआईटी अपील के पास ही अपील फाइल करेंगे, ज्यूरिसडिक्शनल सीआईटी अपील के पास ही अपील फाइल करेंगे। बट होल्ड ऑन, 25 सितंबर से पहले जो नोटिफिकेशन आएगा, अब उसमें अपील कहां फाइल करेंगे कहां नहीं फाइल करेंगे, वहां भी कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन का सवाल खड़ा होगा। तो आज की तारीख में तो हम ये कह रहे हैं एज पर 13 अगस्त नोटिफिकेशन कि अपील ज्यूरिसडिक्शनल सीआईटी अपील के पास फाइल करेंगे, लेकिन जब वो फेसलेस अपील का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये बात बदल जाएगी। फिर तो नैक, जैसे नैक का पता नहीं वो किसको ऑथराइज करते हैं, फेसलेस मोड में हम अपनी अपील फाइल करेंगे, वो पता नहीं कहाँ जाएगी। तो ज्यूरिसडिक्शनल अपील सीआईटी अपील का क्या रोल रहेगा, दैट इज टू बी सीन। लेकिन आज की तारीख में अपील कहाँ फाइल होगी, ज्यूरिसडिक्शनल सीआईटी अपील के पास फाइल होगी। तो रिमांड का वर्क किसके पास रह गया, रिमांड वर्क, रिमांड रिपोर्ट बनाने का जो काम होता है सर, वो ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास ही है। सीआईटी अपील के पास से जब हम आईटीएटी जाएंगे तो हमारा जो भी ज्यूरिसडिक्शन, जो बेंच ज्यूरिसडिक्शनल एओ के हिसाब से बनती है उसी बेंच में जाएंगे, उसमें भी रिमांड का अगर कोई वर्क है तो वो ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास ही है। डिपार्टमेंटल अपील का जो वर्क है वो ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास ही है, तो और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास है, असेसमेंट होने के बाद असेसमेंट यूनिट से जो भी रिकॉर्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास। शिफ्ट क्या होना है, ऑनलाइन ही है, एक्सेस मिल जाएगी और क्या। तो ये ज्यूरिसडिक्शनल एओ के पास जो रेसिडुअल ज्यूरिसडिक्शन रह गया ये उसकी बात हमने की। थोड़ी सी बात सर सीआईटी अपील की कर लेते हैं। तो सीआईटी अपील के पास आज की तारीख में जितनी भी अपील पेंडिंग है वो एज पर डिक्लेयर्ड डेट 25 सितंबर तक अवेलेबल है, जिसमें आज की तारीख में प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो 10 लाख टैक्स इफेक्ट से नीचे के केस हैं वो सीआईटी अपील्स आज की तारीख में हैंडल कर रहे हैं। और एक जो लेटर में कहा गया कि 31/3/2016 तक जो अपील फाइल हुई थी सीआईटी अपील के यहाँ, उनका डिस्पोजल सीआईटी अपील अभी मैनुअल मोड में कर रहे हैं। ये मालूम नहीं सर मुझको कि कितने दिन तक अभी मैनुअल मोड में वो कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंटरनल या ऑफिशियल पब्लिक डोमेन में कोई गाइडलाइन आ जाए जिसमें सीआईटी अपील को कहा जाए कि कितना उनको मैनुअल मोड में डिस्पोजल करना है या नहीं करना है, जबकि फेसलेस ई अपील पाइपलाइन में है।
ये सिचुएशन है। और बाकी जब सर स्कीम आएगी, सीआरटी अपील के फेसलेस अपील की जब स्कीम आएगी, तब उस पर डिटेल्ड में हम बात कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी सर मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि फेसलेस मोड में किस तरह से असेसमेंट होगा, 148 के केसेस के क्या इश्यूज हैं, रिकॉर्ड ट्रांसफर के क्या इश्यूज हैं, क्या बातें हमको ज्यादा ध्यान रखने की हैं। बाकी मैं समझता हूँ सर कि क्वेश्चन आंसर सेशन में हम बात करते हैं। 6:22 ऑलरेडी हो गए हैं, तो आई हैंड ओवर द माइक टू विनय जी फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन कर सकते हैं हम सेशन को। थैंक यू। थैंक यू विपिन जी, नो डाउट आपने बहुत ही अंत बताया कि डिफरेंट हाई कोर्ट के व्यूज होते हैं। आईपीओ इलाहाबाद का डिसीजन हाई कोर्ट का डिसीजन है, मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है, हमारा केस असेसमेंट में चला गया मद्रास, तो ये प्रिविलेज हमें मिलेगा कि उस संबंधित असेसमेंट डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स को हमारे इलाहाबाद के हाई कोर्ट का प्रिविलेज देखना पड़ेगा, जो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मतलब हम इस तरह से, हमें प्रेजेंटेशन नंबर को, जो आपने एक प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही शांत स्वभाव से, और धीरे धीरे आपने बताया क्या चार प्रोसीडिंग्स है, क्या डिपार्टमेंट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसे हमें टेक केयर करनी पड़ेगी। नो डाउट सारे मेंबर्स मेंबर्स की प्रेजेंस अच्छी आ रही है विपिन, 163 मेंबर्स इस टाइम भी प्रेजेंट है टॉपिक्स में। एक मिनट, 163 मेंबर्स की प्रेजेंस अच्छी प्रेजेंस ठीक है। यदि हरीश सचदेवा जी हमारे बीच में मेरी वॉइस सुनने हैं, हरीश सचदेवा जी यदि वॉइस सुनने पीछे हमारा आपसे, हम आपसे वेलकम स्पीच नहीं ले पाए, हरीश सचदेवा भाई साहब यदि मेरी वॉइस सुन रहे हो, आई थिंक नहीं आ रहे हैं। चलिए विपिन जी, जो कि टॉपिक बहुत हॉट है और बहुत ही टिपिकल है, आप चैट में भी देख के क्वेरीज ले सकते हैं। यदि किसी मेंबर की कोई क्वेरीज है तो चैट बॉक्स में लिख दे, ताकि मैं, अरुण भैया की एक क्वेरीज है, अरुण भैया प्लीज। विपिन जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस विपिन जी, अब ये फेसलेस असेसमेंट होने लगेंगे, तो फेसलेस असेसमेंट होने के बाद जो सेक्शन 263 में कमिश्नर इनकम टैक्स पावर एक्सरसाइज करते हैं रिव्यू की, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आपकी आवाज नहीं आ रही विपिन जी, आवाज क्या रही? मैं विपिन जी को जरा वो करता हूँ, अनम्यूट, म्यूट हो गए वो। विपिन जी प्लीज, विपिन हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? जी, ये जहां तक लीगल बात है, तो स्कीम में उन्होंने कहा कि जो 263 का वर्क होगा वो जुरिडिशनल सीआईटी ही करेंगे, एक बात। लेकिन ये एंटायर स्कीम ऐसी बनी हुई है कि जिसमें आपने एक रिव्यू यूनिट नोटिफाई कर रखी है, 63 रिव्यू यूनिट उन्होंने नोटिफाई करी है। नैक वहां पर बैठा हुआ, जितने भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर हो रहे हैं उनको एक तरीके से रिव्यू कर रहा है, कि रिव्यू क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि इसको रिव्यू के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है, और फिर रिव्यू यूनिट अपने मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर रही है। जब इस तरह का मैकेनिज्म है तो 263 स्टैट्यूट बुक में तो एज इट इज है, लेकिन जो 263 के इंग्रेडिएंट्स हैं, द ऑर्डर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू वन, एंड सेकेंडली एरोनियस, ये जो एरोनियस ऑर्डर हो गया है, इसका केस शायद केस टू केस बेसिस पर अगर देखा जाएगा, ऐसी स्कीम में जहां पर असेसमेंट यूनिट है, रिव्यू यूनिट है, नैक है, यहां पर ये कहना दैट द असेसमेंट ऑर्डर इज एरोनियस, इट विल बी डिफिकल्ट, इस इंग्रेडिएंट को पूरा करना डिफिकल्ट होगा। आई सपोज कि 263 के केसेस बहुत फॉल डाउन कर जाने चाहिए, ये होना चाहिए, मेरा स्टैट्यूट बुक में तो है। भी यही विचार है कि फेसलेस असेसमेंट होने के बाद, क्योंकि वहां पर कोई एक सिंगल असेसिंग ऑफिसर जो है असेसमेंट नहीं कर रहा है, एक टीम वर्क हो रहा है वहां पर, तो वो असेसमेंट का काम हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग वेरियस ऑफिसर्स, इसलिए ये कहना कि
कि उसने जो है काम नहीं किया है, और स्पेशली व्हेन नैक इज आल्सो रिव्यूइंग द ऑर्डर एंड टेकिंग अ डिसीजन वेदर इट इज टू बी रेफर्ड टू रिव्यू यूनिट और व्हाट, एंड देन रिव्यू यूनिट डिसीजन। तो इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे केसलेस असेसमेंट ऑर्डर होने के बाद 263 का ऑलमोस्ट सेक्शन जो है रिडंडेंट हो जाएगा। एक क्वेरी आई हुई है कि जो लोकल जुरिडिक्शनल एओ है, क्या उसको असेसमेंट जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसका एक्सेस होगा? कंसर्न टू माय माइंड इज नो। यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है सर, यहाँ कम्युनिकेशन भी जो इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है नैक के थ्रू हो रहा है, यानी कि असेसमेंट यूनिट को अगर वेरिफिकेशन यूनिट से कम्युनिकेशन करना है या किसी रिव्यू यूनिट से कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी नैक के थ्रू हो रहा है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। असेसिंग ऑफिसर जो ज्यूडिशियल असेसिंग ऑफिसर है, उसको जो असेसमेंट रिकॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, वो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद फॉर द पर्पस ऑफ डिमांड एंड रिकवरी एंड फॉर द पर्पस ऑफ पेनल्टी उस स्टेज पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इन द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लोकल असेसिंग ऑफिसर को उसका एक्सेस होगा, आई सपोज नो। और वैसे भी फिर अगर होगा ना, तो पर्पस भी डिफीट होने लगेगा, जिसकी वजह से फेसलेस मोड चला है। ये मेरा आंसर है जिसकी ये क्वेरी थी। मैंने देखा उसको चैट बॉक्स में, तो मैंने आंसर किया। मेरी एक क्वेरी है सर, जी सर, अभी आपने कहा कि जो केसेस हैं इंक्वायरी करेंगे, बहुत से केसेस में आज की डेट में बिजनेसमैन के पास जरूरी नहीं है सभी के पैन नंबर हो। हर तरीके के केस होते हैं, कैश सेल वाले केस होते हैं, रेगुलर बेसिस पे कैश सेल है, जब उस हमारे पास पैन नंबर ही नहीं है तो इस केस में इंक्वायरी कैसे होगी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट होल्ड करो, क्योंकि बिपिन जी के पास डबल फोन, डबल मोबाइल है, एक हैंडफोन भी है, तो उनकी इको हो रही है। मैं उन्होंने बार बार उन्होंने बार बार बिपिन जी प्लीज। तो सर जो अगर पैन नंबर है तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, नेट के थ्रू होगा, ये तो एक बात हो गई। लेकिन वेरिफिकेशन यूनिट तो है ही, वेरिफिकेशन यूनिट तो फील्ड इंक्वायरी ही है। वेरिफिकेशन यूनिट को अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रेफर होती है, तो वेरिफिकेशन यूनिट के ऊपर ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही सारा कम्युनिकेशन करना है, वो उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो नॉन पेन बेस्ड एक और बड़ा केस देता हूं मैं आपको, नॉन पेन का। नॉन पेन के 148 होते हैं। आप नॉन पेन के, आपने कहा सारे 148 हम ई मोड में करेंगे, फेसलेस मोड में करेंगे। जो नॉन पेन बेस्ड AIR है, उसके जो 148 होते हैं, उसका तो कोई कुछ होता ही नहीं है, उसका ना पेन होता, ना उसका नोटिस सर्व हो पाता। तो उसके केस आप करोगे कैसे? जब पेन ही नहीं है तो नोटिस जनरेट कैसे होंगे, और कौन से एड्रेस पर आप भेजोगे? कई बार एड्रेस भी नहीं होता है, वो तो आप रजिस्ट्री से एड्रेस उठाते हो। तो शायद इसीलिए उन्होंने ये प्रोविजन रखा हुआ है कि विद द CBDT अप्रूवल जो फिजिकल ज्यूरिडिशनल एओ है वो अभी भी असेसमेंट कर पाएंगे इन सिलेक्टेड केसेस। तो वो सिलेक्टेड केसेस से, फॉर एग्जांपल नॉन पेन बेस्ड 148 केसेस, वो कैटेगरी है जहां पर मुझे लगता है कि फेसलेस मोड में असेसमेंट होना पता नहीं कैसे हो पाएगा। अनटिल अनलेस उनको आप, जब तक उनको पेन नहीं अलॉट होगा, चाहे वो आधार के बेसिस पे अलॉट हो, पर आधार नंबर होना चाहिए। तो आधार नंबर होगा तो समझ में आता है कि आप पेन अलॉट कर दोगे, लेकिन अगर दोनों नहीं है तो उनके असेसमेंट होंगे कैसे, 148 कैसे जनरेट होंगे? तो शायद वो तो ज्यूरिडिशनल एओ के पास ही करना पड़े, जिसके लिए उन्होंने विंडो ओपन रखी है अपने पास। सर आने वाले टाइम में 148 पहली बार आया है 13 अगस्त में, अभी 148 के प्रैक्टिकली स्पीकिंग नोटिस इशू नहीं हुए हैं। जो पुराने नोटिस थे वो तो सर टाइम बार December 2019 में हमारे पास ऑर्डर आ गए, December 2019 के बाद में फ्रेश नोटिस प्रैक्टिकली स्पीकिंग इशू हुए नहीं है, तो अभी तो नोटिस इशू होंगे। तो ये सारे क्लैरिफिकेशन, ये सारे मॉडलिटीज कैसे वो हैंडल करेंगे इन इश्यूज को, वो शायद आने वाले टाइम में आएंगे क्लैरिफिकेशन। राकेश जिंदल भाई में पांच चेयरमैन गाजर दान, राकेश भाई से कोई आपका व्यूज? हेलो हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? विपिन जी इको आपकी तरफ से हो रही है, क्योंकि डबल सिस्टम चालू आपके यहाँ, आप लैपटॉप वाले को म्यूट कर दीजिए।
हेलो हेलो, लैपटॉप वाला म्यूट है सर। अच्छा फिर ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी जी भाई साहब, हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार थैंक्स देना चाहूंगा विपिन जी को, देना चाहूंगा विपिन जी को। आपके प्रैक्टिकल इशू को बहुत अच्छे तरह से बहुत डिलीवरेट अच्छे तरह किया, से एक्सप्लेन किया। और मेरे ख्याल में और एक तो मार्च हो गई है, क्या ये जो असेसमेंट है फेसलेस, ये मार्च की डेट होगी? जो, हाँ सर, जो अब टाइम बारिंग डेट है वो तो 31 मार्च 2021 हो ही गई है, क्योंकि हाँ, और इसमें 148 भी जो है, जो 31 जो सर मार्च 13 वाले और मार्च 14 वाले, तीनों की डेट जो है वो भी हाँ मार्च जी 2021 हो गई मार्च है। हो गई सर, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 20 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जो भी ड्यू डेट्स फॉल कर रही थी तो सब एक्सटेंड होकर के 31 मार्च हो गई। तो हाँ जो भी नोटिस इशू होने थे 31 मार्च 2020 तक, उनकी हाँ एक्सटेंडेड डेट हो गई है 31 मार्च 2021। मार्च 2021 हो गई है। हाँ जी हाँ जी तो अब ये देखना है कि अब तो अभी देखते हैं देखना है पीएफ में जो है 148 और इसको कैसे कवर करेंगे, इंटरेस्टिंग तो रहेगा। हाँ जी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप अगले साल दो असेसमेंट कराओगे 148 वाले, तो दो एक तो कराएंगे, जो 20 वाला पेंडिंग रह गया और 21 वाले जो फ्रेश आएंगे, दो बिल्कुल दो दो कराएंगे, दो बिल्कुल दो कराएंगे, ई मोड में कराएंगे, फेसलेस कराएंगे। जी ठीक जी बात डिलीब्रेशन है आज का। इसमें खास बात सर, सबसे इंपॉर्टेंट टेक होम मेरे हिसाब से ये है सर, हम सबको रिव्यू करके ये देखना है कि हमें अपने प्रैक्टिस के तरीके में क्या बदलाव करना हमको है, बदलाव करना पड़ेगा, बहुत क्योंकि बदलाव ड्राफ्टिंग, करना पड़ेगा। सबमिशन, आईटी, वीसी पे अपने आर्गुमेंट्स देना, आर्ग्यू करना या सबमिशंस देना, ओरल हियरिंग कराना, इन सब के लिए तैयार होना है। और इसमें रिटर्न सबमिशंस में सर कई बार ऐसा होता था, सेट अपील के आगे भी ऐसा होता था, एओ की तो बात छोड़िए, कि कई बार ऐसा होता था सर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग में बात कर रहा हूं, कि साहब नाराज हो जाएंगे तो बहुत सारी बातें तो हम रखते ही नहीं थे, हाँ ठीक जो बात है, बहुत ऐसी लीगल बात होती थी उन्हीं के लीगल जुरिसडिक्शन को टच कर रही होती थी कि आपका जुरिसडिक्शन ही नहीं है, तो हम हाँ रखते ही कुछ नहीं कानूनी है, ये नाराज हो बातें जाएंगे। अब जब फेसलेस मोड है ना सर, तो अब तो सारे लीगल इश्यूज अपने सारे एविडेंसेस के साथ और अपने सारे लीगल आर्गुमेंट्स और जजमेंट्स के साथ हमको रखने, और इसमें पहले बेझिझक होकर के अगर हमको हेल्प पहले जो चाहिए, है मुझे भाई साहब की हेल्प चाहिए, तो मैं भाई साहब के पास चला जाऊं कि मेरा रिटर्न सबमिशन बनवा दो भाई साहब, नहीं, तो पहले वन वो फोर्टी एट में जो अपील लेना ऑब्जेक्शन चाहिए हमको। होती थी, पहले 148 की जो जी ऑब्जेक्शन होती थी वो भी सबमिट नहीं करते थे। जी जी 148 की जो ऑब्जेक्शन होती थी पहले वो भी सब लोग जी नहीं सर, फाइल करते थे। लड़ते नहीं थे हम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी वो लिखना पड़ता था नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, उसमें तो बदलते थे कि शब्द क्या लिखे हैं हाँ हाँ क्या सही बात इसे है, लिखे सही नॉन बात एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बुरा मान जाएंगे साहब। तो वो जो हिच है वो छोड़ के हमें वो छोड़ के, अपनी ड्राफ्टिंग पे इश्यूज पे आना पड़ेगा, और एक ये सबको बात जो है। है वो ऑटोमेटिक स्कैनर लगाने पड़ेंगे अपने अपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी हाई स्पीड वाले स्कैनर हाई लगाएंगे, स्पीड स्कैनर वाले स्कैनर लगाने लगाएंगे पड़ेंगे। जिससे फाइल का साइज कम हो जाए, फाइल का साइज भी तो कम होना चाहिए ना अपलोड हाँ होने के ये लिए। साइज कम होना चाहिए, ये हाँ सब जी हाँ जी काम करना पड़ेगा सबको। हाँ ये सब काम करना पड़ेगा। हमारे भी दीपक दिनेश गोयल जी भी हैं, आपका कोई क्वेरीज हो दीपक गोयल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन किया है। आवाज नहीं आ रही? हेलो दीपक दिनेश जी, दीपक जी जी जो डाउट थे वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गए? ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गए जी, नहीं डाउट आप विपिन जी, विपिन जी क्वेश्चन मेरा और है, बढ़िया है, क्वेश्चन मेरा और है, बढ़िया है। विपिन जी ने बिल्कुल पिंडा, विपिन जी ने बिल्कुल पिंडा जी, धनंजय जी सर, एक क्वेश्चन मेरा की और है, प्लीज एक क्वेश्चन मेरा और है, क्योंकि रंजीत केसरवानी जी, रंजीत यस सर, केसरवानी जी, योर क्वेश्चन। यस सर, योर क्वेश्चन सर, आज प्रैक्टिकली, आज प्रैक्टिकली जब एसिसिंग जब ऑफिसर के सामने हम एसिसिंग ऑफिसर आर्गुमेंट के करते सामने हैं तो आर्गुमेंट, बहुत सी चीजें फेस के हिसाब से, इंप्रेशन के हिसाब से चीजें अंडरस्टैंड हो जाती है। कई बार पूरे के कागज, पूरे डॉक्यूमेंट को ही कितना वेरीफाई करेगा, दिस इज आल्सो अ वेरी बड चैलेंज फेसलेस के केस में। आज आप नंबर ऑफ टाइम्स सेम एसएससी को आप जानते रहते हैं कि ये एसएससी कैसा है, क्या है, आपने मिल भी रखा होता है कई बार, तो
तो ये सारी चीजें असेसमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। जरूरी नहीं है सर सारे पर्सन एक ही तरीके के हों, आगे चल के तो दिक्कतें कम रहेंगी, लेकिन शुरू के पांच साल अप्रोच है इनकम टैक्स ऑफिसर का, ये हर्डल ग्रोथ करेगा। दूसरा हाँ ठीक है, 69 ए पे जो असेसमेंट 68 की उस पर हायर रेट से टैक्स आएगा, तीनों में इसे कैसे हम आपका लास्ट वाला पार्ट का कट गया आवाज। आज एडिशंस बहुत सी एडिशंस हम कहते हैं 60 68 में होगी वो, और हायर ब्रैकेट के रेट में आएगी। हाँ जी हाँ, ये प्रॉक्स असेसमेंट के समय 100% आप समय 100% हो जाती है, तो हैवी डिमांड भी क्रिएट होगी जो कि हर्डल करेगी एसएससी को, बिजनेस को हैंडल करेगी करेगी सर। ये सब प्रॉब्लम्स अभी रहेंगी सर। एक कदम और आगे बढ़ता हूँ सर, आप असेसमेंट कह रहे हो, अपील्स में रिटर्न सबमिशंस के बेसिस पे कितनी अपील कराई हमने आज तक? रिटर्न सबमिशंस के बेसिस पे अपील कहाँ हो पाती है जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करो? आप रिटर्न सबमिशन छोड़ो सर, रिटर्न सबमिशन हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ओरल हो जाते हैं, हियरिंग क्लोज हो जाती है, जब अपील ऑर्डर ड्राफ्ट होने लगता है ना सर, तो फोन आता है भाई साहब आके वो समझ नहीं आ रहा, ये आके समझाओ, तो ऑर्डर की स्टेज पे दोबारा समझाना पड़ता है कि ये सर ये फैक्ट ऐसे नहीं ऐसे था, ये इशू ऐसे नहीं ऐसे था, तब वो ऑर्डर ड्राफ्ट हो पाता है। तो प्रैक्टिकल बात तो आज की तारीख से चाहिए है, तो अब जो भी है वो तो धीरे धीरे जो समस्याएं आएंगी आएंगी, शुरू में हो सकता है लिटिगेशन बढ़े, फिर धीरे धीरे अब जैसे भी होगा सर, अब इसी के साथ रहना है, ये वाली बात है। अब तो दूसरा सर, इंडिया केवल और केवल मेट्रो और बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, गांव है, सारी जगह है, उनके केसेस उनकी सिचुएशन असेसमेंट्स की डिफरेंट होती है कंपैरिजन टू मेट्रो और बड़ी सिटीज का। असेसमेंट में उस जो वे ऑफ थिंकिंग ऑफ यूनिट हो, वो हो सकता है मेट्रो सिटी की हो, गांव में वो चली नहीं सकती, छोटे जगह में वो चीज हो सकती है, ये सारा इशूज बहुत बड़ा इशू है। ये आज मैं दिल्ली में हूँ, सदर में सेल कैश होती है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 10,000 से ऊपर के कैश नहीं कर सकते, सारा बिजनेस हैम्पर हो जाएगा। है सब ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, अब ये तो जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे देखा जाए। हमारे भी दीपक केडिया भी हैं, दीपक जी आपका कोई व्यूज हो, दीपक केडिया आई थिंक शायद रायपुर से, दीपक जी के साथ कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। अमित कुमार अग्रवाल जी फ्री हैं, आपकी कोई क्वेरी आपका वॉइस है, ये चूंकि ग्रुप डिस्कशन भी है, ये ग्रुप डिस्कशन करता तो मैं हूं, लेकिन अब भी स्पीक कर रहे हैं। लेकिन अब स्पीक कर रहे हैं सर अग्रवाल जी, जी सवाल सर आवाज नहीं आ रही अग्रवाल जी, कोई आपके कोई सजेशंस या कोई आपका व्यूज सर, क्वेरी आई हुई है, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही आवाज, क्वेरी आई हुई है चैट में कि सीबीडीटी से अप्रूवल कैसे मिलेगा, अंकित जी की क्वेरी है, सीबीडीटी से अप्रूवल कैसे मिलेगा नेक्स्ट से जुडिशियल लेवल के पास आने के लिए। सर ये कोई सिस्टम नहीं है कि हम, हमारे पास कोई एप्लीकेशन का तरीका नहीं है कि हम अप्लाई करेंगे और वो शिफ्ट कर देंगे सीबीडीटी से अप्रूवल लेके, इट इज नॉट दैट, ये तो डिपार्टमेंट के पास विंडो अवेलेबल रखी है उन्होंने, जैसे हमने डिस्कस किया सर नॉन पैन केसेस हो सकते हैं 148 के, तो उनके असेसमेंट कैसे करें, या ऐसी और सिचुएशन अराइज हो सकती है जहां पर ऑनलाइन असेसमेंट फेसलेस मोड में डिपार्टमेंट को लग रहा है कि नहीं हो सकता, डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट को ऐसे किसी केस में लग रहा है कि फेसलेस असेसमेंट नहीं हो सकता, उसको हमें ज्यूडिशियल के पास भेजना पड़ेगा, तो अपने लिए उन्होंने एक इनेबलिंग विंडो रखी है, ये कोई एसएससी के पास ऑप्शन नहीं है कि एप्लीकेशन लगाएगा कि मेरा केस ज्यूडिशियल के पास भेज दो, तो उसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम कोई एप्लीकेशन लगा देंगे और सीबीडीटी से अप्रूवल ले लेंगे, वो नहीं है, डिपार्टमेंट के पास है। तो ये अंकित जी की क्वेरी इस पे पड़ी हुई थी, ये बात किसी भी मेंबर के को क्वेरी तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि विपिन जी खुद रीड करके उसका क्वेरी का सबमिशन कर रहे हैं। तृप्ता जी, तृप्ता जी यदि आपके कोई व्यूज हो,
सर इसमें एक क्वेरी लिखी हुई है कि जो सबमिशन फाइल करेंगे उसमें लेटर हेड होता है, लेटर हेड में सारी डिटेल होती है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता? सर नंबर वन, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो नैक को जा रही है, असेसमेंट यूनिट को डायरेक्टली नहीं जा रही है। उन्होंने जो बीच में विंडो रखी है, जो प्लेटफॉर्म रखा है इंटरेक्शन का, वो सिर्फ नैक है। हमसे नैक को जाएगी, नैक से असेसमेंट यूनिट को जाएगी। एक बात, स्कीम में किसी तरह की किसी कम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं है। दो, अब ये नैक को जो बीच में रखा हुआ है, आई डोंट नो इफ देयर इंटरनल चेक्स कि जब आप सबमिशन फाइल करोगे ना सर, तो ये जो ऊपर का आपका लेटर हेड है इसकी असेसमेंट यूनिट को कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपने लेटर हेड पे अपनी जवाब बनाते रहो, लेकिन ये पॉसिबल है कि जब नेक्स्ट से डेटा ट्रांसफर होगा असेसमेंट यूनिट पे, तो वो इसको होल्ड कर दें। जो आपका लेटर हेड है जिसपे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो शायद कर सकते हैं, उसको होल्ड कर दें। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन में इतनी जानकारी है कि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन ना हो पाए, इसका जो भी इंतजाम वो कर पाएंगे वो करेंगे। हर चीज तो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, तो इसका ये शायद सॉल्यूशन नैक की स्टेज पर होगा, इसलिए नैक को रखा गया है। विश्वास वाली स्कीम है वो फेसलेस में होगा? आज से विश्वास स्कीम का मैडम इससे लेना नहीं है। मोर स्कीम अलग है, सेपरेट है, जैसी थी वैसे के वैसे ही है। उसमें का कोई फेसलेस मोड का कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपके ज्यूरिडिशनल सीआईटी के पास ही जा रहा है, उसका फेसलेस से मतलब नहीं है कोई। नेक्स्ट, यदि कोई क्वेरी है तो अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अरुण भैया का हाथ फिर खड़ा। अरुण भैया प्लीज। विपिन जी, आपने ऐसे बताया कि वो असेसमेंट यूनिट है वो पूरे कंट्री किसी भी रीजन की हो सकती है। गाजियाबाद का केस कोई हो सकता है चेन्नई में बैठी हुई यूनिट करे। अब यहाँ पर परेशानी जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मैंने अपने जो क्वेश्चनायर आया मेरे पास, मैंने उसका रिप्लाई फाइल किया, तो उसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स वर्नाकुलर में हो सकते हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स जो है चेन्नई में जाएंगे, जहाँ हो सकता है कि जो ऑफिसर्स बैठे हों वो जो है लोकल, वो जो है गुरमुखी ना समझते हों या हिंदी ना समझते हों, पढ़ ना सकते हों, तो ऐसे केसेस में क्या दिक्कत आएगी? नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारे बिजनेस जो है वो लोकलाइज्ड है, रीजन बेस्ड है, जहाँ पर जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं या जो ट्रेडिशंस हैं वो एंटायरली लोकल लेवल पे तो लोगों को मालूम होते हैं, नेशनल लेवल पे जरूरी नहीं है मालूम हो, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो अकाउंटिंग पे, इसकी इनकम कंप्यूट करने पे आता है। तो आपका क्या विचार है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आवाज नहीं आ रही, नो वॉइस। विपिन जी एक मिनट अनम्यूट करिए आपने आपको, ठीक है, म्यूट अनम्यूट, ठीक है। आपके मोबाइल से विपिन जी, जब भी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं तो स्टैटिक आवाज अच्छी आ रही है, आपकी से म्यूट हो रही है, इको हो रही है, ठीक है। बार बार मैं आपको म्यूट कर देता हूं जब पूरी तैयारी रेज हो रही है, ठीक है, आई विल टेक केयर। तो जहां तक ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात है, तो नंबर वन, तो चेन्नई में कोई बैठा हुआ है तो वो हो सकता है वो ऑफिसर का ट्रांसफर हो आके वो यूपी का कोई ऑफिसर चेन्नई में बैठा हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। एक दूसरी बात, ट्रेड प्रैक्टिसेस की जहां तक बात है, वो तो मुझे को बताना पड़ेगी भाई साहब की अपने क्वेरी के जवाब में कि अगर वो रेलिवेंट है मेरी अकाउंटिंग से, मेरे एडिशन से, उस क्वेरी से ट्रेड प्रैक्टिस अगर रेलिवेंट है, कि उसके फॉलो करने ना करने से एडिशन पे फर्क पड़ता है, तो उस रेलिवेंस के साथ मुझे को अपने सबमिशंस में क्लैरिटी देना होगी।
और वो फिर असेसिंग ऑफिसर उसको असेसिंग यूनिट उसको देखेगी। वो असेसिंग यूनिट में कोई भी, चेन्नई में बेशक उसकी लोकेशन हो सकती है लेकिन उस टीम में कोई भी हो सकता है। एक सो फार एज डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न, ये हो सकता है कि मेरी कोई सेल डीड हिंदी में है या महाराष्ट्र की कोई सेल डीड, वहां की जो भी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की उस लैंग्वेज में है, साउथ की जो लैंग्वेज है वो साउथ में जो यहाँ पर आ गई है डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो आई सपोज कि अगर असेसिंग ऑफिसर को उससे असेसिंग यूनिट को उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मुझसे कहेगा कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, या तो ये कहेगा, या मुझसे पूछेगा कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है मुझे आप बता दो तो मैं उसको इंग्लिश में बताऊंगा, और जरूरत पड़ेगी अगर कहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसलेशन की ही स्टेज आएगी कि रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अवेलेबल करा दूं, ऐसी कोई पोजीशन आती है। तो आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में केस होते हैं तो कई बार ट्रांसलेट कराना पड़ता है, हिंदी के डॉक्यूमेंट को सब इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना पड़ता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होगी जिसमें ट्रांसलेट कराना पड़े तो ट्रांसलेशन इज द सॉल्यूशन। अभी फेसलेस अपील्स की जहां तक बात है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि 25 सितंबर से फेसलेस करना चाहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आएगा। आज की तारीख में तो जो भी अपील्स पेंडिंग है वो सब मैनुअल मोड में ही चल रही हैं। आप अपने लोकल ऑफिस को अप्रोच करके अपनी अपील डिस्पोज ऑफ करा सकती हैं, जब तक तो फेसलेस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। एक बार फेसलेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें होगा कि जो भी पेंडिंग अपील्स हैं वो फेसलेस मोड में चली जाएंगी, तो आपका सीआईटी अपील भी चेंज हो जाएगा, फेसलेस हो जाएगा। अभी करा सकते हो आप, अभी मैनुअल चल रहा है। ठीक है, विपिन जी एक लास्ट रहती है, लास्ट क्वेरी रहती है हमेशा, आपका मोबाइल नंबर। हाँ जी, क्या लास्ट क्वेरी? अच्छा, मेंशन कर दिया अपना मोबाइल नंबर, मेंशन कर दिया मैंने। अच्छा, ये क्वेरी आई थी तो मैंने डाल दिया उस पे नंबर। जी जी, चरण गुप्ता जी, आपके इंटरव्यू बिजनेस असेसमेंट में। किरण जी, मेरी वॉइस आपको आ रही है? वही आपके व्यूज? नो सर, नॉट। हम ऑफिशियली वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट बिपिन जी, नो डाउट आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करा और हर तरह की तरह से आज आपने बैटिंग बहुत बढ़िया करी, और आपकी बैटिंग का रिजल्ट ये कि बॉलर सारे फेल हैं, कोई क्वेरीज नहीं आ रही है। दैट इज, दिस इज ए गुड स्पीकर, कि जो गुड स्पीकर की एक अप्रोच होती है कि क्वेरीज कम से कम नहीं आना, इसका मतलब दैट इज जो भी अधिक है नंबर्स ऑफ प्रेजेंस अभी तक भी पूरी प्रेजेंस है। ये प्रेजेंस भी ये शो करती है कि जो आपका प्रेजेंटेशन था उन लोगों का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन जो आया आपकी बैटिंग से सारी गेंद खो गई है, लोगों का 100% मैं एज्यूमिंग कर रहा हूँ, हम एज्यूम करते थे 50% भी हमने अडॉप्ट कर लिया तो सक्सेस हो गए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने 100% एज्यूम कर लिया है। जो अप्रोच है, जो प्रोसीजर हमारा आगे अपील में आना है, जो हमारी अभी हैबिचुअल है वो हैबिचुअल हमें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से हम सीआईटी अपील में, अपील एट में हम अपना जवाब देते हैं, वो हमें असेसमेंट में भी उसी तरह से अपना जवाब देना पड़ेगा, रिप्लाई नंबर पॉइंट वन, रिप्लाई नंबर पॉइंट टू, और हम ज्यादा से ज्यादा अपना सबमिशन कर पाएंगे जो हमें आपके डेलीवरीशन से समझ पा रहे हैं हम। ठीक है, राजेश कुमार मिश्रा जी मेरे बीच में है, सीनियर चार्टर्ड है, मैं कोशिश, राजेश जी आपके कोई व्यूज आ रहे हो? राजेश कुमार मिश्रा जी, सर एक चीज में बोलूं, बाकी सारे काम तो हमें करने ही पड़ेंगे, करेंगे ही, एक चीज और सबको करनी पड़ेगी, सबको अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी जो आप क्लाइंट से लेते हो। सारा आगे का प्रैक्टिस फीस बेस्ड प्रैक्टिस है आपकी, फीस बढ़ाए बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, तो ऑल हैव टू थिंक कि कैसे उसको करना है, वो करना ही पड़ेगा हम लोगों को, सबको करना पड़ेगा, और उसमें काम भी ज्यादा लगने वाला है, मेहनत भी ज्यादा लगने वाली है,
हो सकता है वो अगर टीम बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं, हमें भी टीम बेस्ड असेसमेंट करवाना पड़े, तो जब हमें टीम बेस्ड असेसमेंट करवाना पड़ेगा तो हमारी भी कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं प्लान करना चाहिए। दैट इज माय हम्बल सबमिशन सजेशन। जी 100% है, 100% है, ये आपका सजेशन है कि हमें फीस अपनी बढ़ानी पड़ेगी, कहीं फीस कम होगी तो कहीं में फीस खराब होगी, ये तो 100% एग्री है, क्योंकि पॉपुलेशन जब सर्वाइवल आएगा कि हम अपनी फीस का इंक्रीमेंट करें। विपिन जी 100% एग्री विद यू, यदि जितनी हम फीस कम लेते हैं अपने क्लाइंट से उतनी वो हमारी वैल्यू कम करता है, जितनी हम फीस जनरल फीस उससे क्लेम करते हैं उसका ड्यू रेस्पेक्ट भी हमारा उसके प्रति बढ़ जाता है। हम उससे फ्री में केस करने लगे, वो कहता है विनय जी ये केस कर दो, विनय कहने लगे, जब उससे फीस एक पड़ते हैं तो सर कहने लगता है या विनय जी कहने लगता है, वो एक उसकी अप्रोच हमेशा आएगी, ये तो हमें चेंज करनी पड़ेगी अपनी अप्रोच। ये तो 100% एग्री है। महानगर टैक्स बार से कोई यदि मेंबर्स हैं और अपनी बार की तरफ से प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, महानगर टैक्स बार से टैक्सेशन बार से कोई मेंबर हो और वो अपनी व्यू रखना चाह रहे हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि फिर हम स्विच ऑफ करें। आई थिंक हरीश भाई साहब भी टच में नहीं आ पाए, पूरे हमने कराया। चलिए थैंक्स अ लॉट विपिन जी, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं कहूंगा हमारे बीच अरुण कुमार अग्रवाल जी हैं। अरुण कुमार अग्रवाल जी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और बहुत ही उस पोस्ट पर रह चुके हैं, हमारे बीच से गाजीवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन आपने जो मुकाम हासिल कराया वो मुकाम शायद बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंटों को मिलने को पाएगा। और विपिन जी आपका सौभाग्य है, जब भी आप कोई अप्रोच देते हैं अरुण भाई साहब हमेशा रहते हैं, और अखिलेश भाई साहब शायद आज कमी खलेगी हमें, अखिलेश भाई साहब नहीं आ पाए लेकिन अरुण भाई साहब हमेशा उस प्रेजेंस में रहते हैं आपके साथ, और ये बहुत अच्छा रहता। अरुण जी ने, अरुण भाई साहब ने एक अच्छी वो भी करा, उन्होंने पता था क्वेश्चन, उन्हें पता थे लेकिन उन्होंने जान के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए कुछ क्वेश्चन जान के उछाले, क्योंकि जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे थे वो क्वेश्चन अरुण भाई साहब ने जान के उठाए, उन्हें सारा पता था, क्योंकि आप हाईकोर्ट के क्लाइंट जजेस रह चुके हैं, आप अरुण भाई साहब रह चुके हैं हाईकोर्ट के क्लाइंट, एक बार में जो एक सिंगल कोर्ट थी पूरे इंडिया में, उन्होंने जान बुझ के आपके मैटर में वो क्वेश्चन उठाए ताकि मेंबर हमारे पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट हो जाए, और आपने उस बैंक गेंद को लपका और उसी स्पीड से आपने बहुत साइलेंट तीसरा से उसे थ्रो भी करा, उसका प्रॉपर जवाब भी दिया। थैंक्स अ लॉट अरुण भैया, थैंक्स अ लॉट विपिन जी, और सारे जो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितना अच्छा पार्टिसिपेंट्स रहा, मुझे डर लग रहा था कि पार्टिसिपेंट्स कहीं वीक ना हो जाए, क्योंकि स्पीकर्स को कुछ नहीं चाहिए, नेता को चाहिए मोबाइल, आपके कैमरे फ्लैश होती रहे, जब भी कोई नेता आता तो फ्लैश होती रहे, स्पीकर को क्या चाहिए प्रेजेंस, स्पीकर अपना बहुत सारा टाइम देता है, हमें बहुत बड़ी तैयारी करता है, और उसे स्पीकर चाहिए कि जो मैं दे रहा हूँ मेंबर्स के बीच में चला जाए, उसका पर्पज यही है। अच्छा, ये वीडियो भी हमारी रिकॉर्डेड हुई है, ये वीडियो हम कल सुबह मॉर्निंग में 1.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेरा सर्कुलेशन जाता है, उस सर्कुलेशन में मैं ये वीडियो विपिन जी की वीडियो कल मैं सर्कुलेट कर दूंगा सारे मेंबर्स को, यदि जिस मेंबर ने नहीं भी देखी होगी तो वीडियो के थ्रू काफी सिस्टम चाहिए कि हमारा किस टायर सिस्टम है, 4 टायर सिस्टम हो गया है, जो उन्होंने वर्टिकल्स बनाए हैं उस वर्टिकल्स बनाएंगे, और विपिन जी हमें निश्चित हमें भी अपना ऑफिस अब वर्टिकल्स विंग में लाना पड़ेगा, हो सकता है आपका एक्सपर्टाइज इनकम टैक्स में आ रहा है, चंद जी का एक्सपर्टाइज जीएसटी में आ रहा है, मनोज जी का एक्सपर्टाइज ट्रांसफर प्राइसिंग में आ रहा है, तो हमें अपने विंग, चाहे हम अलग अलग बैठे हो, हमें अपने विंग बनाते हुए हमें वो एक्सपर्टाइजेशन अब करना पड़ेगा, नॉर्मली जो हम जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस भी शायद अब हमें सर्वाइवल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स फेसलेस हो गया, जीएसटी फेसलेस हो गया है, अब हमें क्वालिटी वाला काम चाहिए। इन्हीं वर्डों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, फिर अगले हफ्ते किसी ना किसी टॉपिक पर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आईसीआई।